मेरा नाम बलराम किसान है और मैं बड़वानी मध्य प्रदेश से आया हूँ। आप लोगों तक जानकारी पहुँच ही गई होगी कि कौन व्यक्ति आ रहा है। लगभग यहाँ से शायद 1000 किलोमीटर है मेरा रहने की जगह। पहले मेरे दो विजिट हुए हैं यहाँ पर। आशुतोष जी ने कुछ पहल करी है, 70-30 खेती और केला खेती को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं कितनी भी दूर से आया हूँ बट मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है कि यहाँ पर कोई 20 किलोमीटर से है, कोई 50 किलोमीटर से है, कोई 100 किलोमीटर से भी है ना। आप लोग भी कहीं दूर दूर से आकर के, अभी जैसे 10 बज रहे हैं, 11 बज गई है, बट आप शायद 8 बजे यहाँ पहुँच गए होंगे, कोई 8:30-9 बजे पहुँच गया होगा। ये समझ में आ रहा है कि सीखने की भूख है और यही सीखने की भूख हमें खेती को सस्टेनेबिलिटी की ओर ले जाएगी, अच्छा काम करने की तरफ ले जाएगी। अगर हम सीखने को तैयार हैं, तो कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो कठिन हो और हम जिस पर चल नहीं पाए। मुद्दा एक ही है कि अगर हमने समझ लिया कि मुझे सभी कुछ आता है तो फिर वहाँ फुल स्टॉप हो जाता है। और हमने समझा है कि मुझे सीखना है, मुझे आता है पर मुझे सीखना है और बेहतर क्या कर सकता हूँ, तो शायद हम नए आयाम, नई सीढ़ियाँ पार कर पाएंगे। मैं बोर्ड पे आ जाऊँ क्या, कुछ चलते चलते मेरी चर्चा ऐसे बोर्ड पे भी होगी तो शायद आप तक नाबार्ड को, जो आप लोगों की मदद करने के लिए भारत सरकार की एक योजना है, नाबार्ड जो एक पूरा संगठन है जो फार्मर प्रोड्यूसर के तहत आप लोगों के साथ में घर तक, आपके खेत तक पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं थैंक्स कहूँगा त्रिलोकेश्वर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। फार्मर प्रोड्यूसर मतलब हम सब किसानों का संगठन, कोई सिंगल इंडिविजुअल एक कंपनी नहीं कि जिसे किसी एक व्यक्ति ने बना लिया और सब कुछ वही कुछ कमाएगा, खाएगा और अपने अंडर में चलाएगा। फार्मर प्रोड्यूसर मतलब हम किसानों का संगठन और हम सब एक साथ मिल करके एक दिशा में गमन करें। ये जो सर ने पहल करी है ये बहुत ही सराहनीय पहल है, इसको मैं बहुत थैंक्स दूंगा किसानों की तरफ से भी कि इन्होंने पूरे भारत में सर्च किया, समझा कि कलमपुरी में अगर केले के किसानों को सफल करना है और नए आयाम पर लेकर जाना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा और एक दिशा में चलना पड़ेगा। और इन्होंने सर्च किया किसान पाठशाला को, 70-30 फार्मिंग को, आज हम उस पर बात करेंगे, 70-30 खेती पर। आप सभी केले की खेती कर रहे हैं या करना चालू करने वाले हैं? चालू करने वाले हैं। ज्यादातर केले का फार्मर्स हैं। ओके। और ज्यादा 50-50 है। अभी जो पुराने केले की खेती कर रहे हैं उनको कुछ परेशानी आ रही हो तो एक दो व्यक्तियों से मैं पूछना चाहूंगा कि आपको यहाँ परेशानी क्या है। केला किनके पास लगा हुआ है? 1, 2, 3, 4 है, 30% लोगों के पास है। अभी वर्तमान में आपका जो केला लगा है उसमें क्या परेशानी है, तो मैं मेरी बातें रखते हुए आपकी परेशानी को भी समावेश करूंगा। अभी केले में क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? हर पतवार में रहता है, फंगस लगती है। ओके ओके, फंगस लगती है। दूसरे बात, हम ये दिन में प्रॉब्लम होता है कि आपका जो फर्टिलाइजर देने में जो बंदे देने में ड्रिप है, आपके पास फ्लड है? नहीं है, ड्रिप है, ताकि ये फर्टिलाइजर का फर्टिलाइजर का तरीका नहीं है, किस तरीके से जाना चाहिए, मैं एक का पूरा समावेश करूंगा आपको तरीके से कैसे जाएं। तीसरा चीज, सबसे बड़ी चीज है, अगर केला बना नहीं ले तो मार्केटिंग का बहुत, और अगर मार्केट वाटर सॉल्युबल में जा रहे हैं तो खर्च ज्यादा आ रहा है। नहीं, वाटर सॉल्युबल में जाना ही नहीं है, और जो हमें फर्टिलाइजर देने में प्रॉब्लम आ रही है आज मेरी चर्चा में, वो सारी बातों को लूंगा मैं। बहुत अच्छा आपने बताया कि ड्रिप है पर हम उसमें फर्टिलाइजर करने में परेशान हो रहे हैं, और मार्केट की जो समस्या है इसीलिए ये त्रिलोकेश्वर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनी है कि हम किसान जो उत्पाद बनाएं
उनको सेंट्रलाइज करके अच्छे मार्केट तक कैसे पहुंचाए, ये आप ही का ग्रुप है, उसमें हम जितनी मदद कर सकते हैं, जितना बेहतर क्वालिटी का केला बना सकते हैं उस दिशा में आगे जाएंगे, जितने बेहतर व्यापारियों को यहाँ आप तक पहुंचा सके उस दिशा में जाएंगे, लोकल में और डोमेस्टिक में दोनों में, और तीसरा आता है एक्सपोर्ट, इन तीनों प्रक्रियाओं को टच करने की चेष्टा करेंगे। बट ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होगी, छोटे छोटे बेबी स्टेप लेना पड़ेंगे। पहले चरण में हम खेती का तरीका ऐसा बनाएं कि हर व्यापारी, पूरे हिंदुस्तान का व्यापारी और हिंदुस्तान के बाहर का व्यापारी इस क्षेत्र में आकर के केला देखने को मजबूर हो कि यहाँ पर किस तरह की खेती हो रही है। सबसे पहली एक छोटी शुरुआत हमको ये करना पड़ेगी कि जो भी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के व्यापारी हैं वो यहाँ आकर के अपने केले को देखने की चेष्टा करें कि इस क्षेत्र में इतना अच्छा केला हो कैसे रहा है। नमस्ते जी, जी नमस्ते। चलते हैं, मुंह से चलते हैं, हाथ से चलते हैं, एक्सप्रेशन से चलते हैं, बोर्ड से चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है। अभी दिख रहा है साइकिल, लिखा हुआ आ रहा है आपका, लिखा हुआ दिख रहा है, पेन चला हुआ। तो चर्चा चालू करते हैं जहां से मैंने रोका था, और सर का स्वागत हुआ अभी, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि इतने अच्छे व्यक्ति आप लोगों के साथ में हैं, और आप एक टीम बना करके ये साबित करने पर आगे बढ़ रहे हैं कि हम इकट्ठे हो सकते हैं और एग्रीकल्चर में कुछ बेहतर कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम फार्मर इकट्ठे होकर के एक FPO बना करके साथ में चल करके संगठन वाली एक दिशा पकड़ सकते हैं। तो मैं केले को वापस आता हूँ, केले को लेता हूँ कि केले में कैसा हम आगे बढ़ सकते हैं। छोटी सी बात है केला, लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से मैंने आप लोगों की सॉइल देखी है, मिट्टी का स्ट्रक्चर देखा है, पानी प्रबंधन जो देखा है, केले की खेती बहुत ही अच्छी की जा सकती है। 2006 से मैं किसान पाठशाला रन कर रहा हूं बड़वानी मध्य प्रदेश में, और 2023 में आप मित्रों ने ये जो शुरुआत करी है एज ए किसान पाठशाला के साथ में चलने की और क्रॉप डॉक्टर बनने की, केले को लेकर के चलते चलते मैं छोटी छोटी चीज़ों का समावेश कर रहा हूं। क्रॉप डॉक्टर इन द सेंस कि खुद के खेत का खुद ही चिकित्सक, कहीं किसी से पूछने जाने की आवश्यकता नहीं। किसान पाठशाला के साथ जब आप जुड़कर चलते रहोगे तो आपको सारी सुविधाएं, सारी जानकारी आपके मोबाइल पे मिलेगी। सभी के पास ये एक छोटा बच्चा है, इसको अभी करना है कुछ 2-3 घंटे के लिए साइलेंट, शायद मुझे आप 1-2 घंटे झेल पाए, तो आने वाले समय में जो भी फार्मिंग कर रहे हो आप, आपका खर्चा आधा होगा और उत्पादन ज्यादा होगा। 2006 से हमने जो छोटी छोटी चीजों को टचअप लिया है उसका सारा निचोड़ मैं आपको देने वाला हूँ। और 2010 में मैंने ये समझा था कि भारत में केला 3% तक एक्सपोर्ट हो रहा है, और डोमेस्टिक में जो जा रहा है, जो लोकल मार्केट में बिक रहा है, उसका 95% केला 30% वेस्टेज के साथ जा रहा है, और दागी और फंगस और रोग वाला केला बिक रहा है ठेले पर, काली काली चिट्टी, बहुत ज़्यादा स्क्रेच लगा हुआ, जो केले की दर्जन रहती है वो ऐसे झड़न वाला मार्केट में मिल रहा है। ये मैंने 2010 में देखा। आज अगर आप समझें तो केला बहुत सारे मॉल खुल चुके हैं, मार्केटिंग का ट्रेंड बदल चुका है, हम कहीं शहर में जा रहे हैं तो लोकल ठेले पे से केला लेने की बजाय एक बड़ा मार्केट रहता है जहां हम अंदर जाकर के AC में घूमते हैं, और वहां जो केले रखे हुए रहते हैं वो गोल्डन केला दिखता है, बिना दागी, बिना फंगस, लंबा केला। सबसे पहले केले को कौन क्या पसंद आता है, मतलब हम अगर कहीं जाते हैं तो केले में क्या समझते हैं देखना, उसके बाद हाथ लगाकर फील करना,
उसके बाद खरीद कर घर ले जाना और फिर खाकर टेस्ट को समझना, तो टेस्ट आ गया आपके तीसरे नंबर पर। अच्छा भाई साहब एक यस मान लीजिए हम यहाँ पर केमिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं यस फाइनली तो फार्मर से, तो बिफोर गिविंग ट्रेनिंग आपने ट्रेनिंग देने से पहले यहाँ की सॉइल टेस्ट किया था सर? हाँ एक्चुअली मेरा ये तीसरा चौथा राउंड है और यहाँ पर आशुतोष जी के साथ और ब्रदर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दो साल से हम पौधा भी यहाँ दिए हैं, खेतों में भी आए हैं, केले के ऑलरेडी प्लॉट खड़े कर चुके हैं, कुछ फील्डों की सॉइल टेस्ट करिए, कुछ फील्डों में फिजिकल हम गए हैं। सो दैट मींस ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, हाँ, इट इज सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। यस यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का पानी, यहाँ की मिट्टी 80% सूटेबल है। जो 20% है वो फील्ड जो व्यक्ति आगे आकर साथ में चलेंगे तो पहले उनका लैब टेस्ट होगा, एनपीके और सॉइल टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट्स आएगी उसके बाद उस खेत में और क्या बेहतर करके केला लगाना है, 20% में भी हम आगे जाएंगे, बट जो साथ में आएगा उनके साथ लैब टेस्ट है। तो ऑलरेडी मैं इस क्षेत्र से 3 साल से फेमिलियर हूँ, कहीं ना कहीं आ रहा हूँ, कुछ किसान मित्रों के साथ आगे बढ़ा हूँ और केले की खेती यहाँ पर हमने साइजेबल अच्छे उत्पादन लेने की शुरुआत कर दी। कितना उत्पादन ले रहे थे हम? 46 kg का केले का बंच हमने लिया आशुतोष जी के यहाँ पर, जो पूरे भारत का ऑन एन एवरेज है वह 20 kg का आता है एवरेज पूरे क्षेत्र का, 58 भी आया है, मतलब यहाँ की सॉइल और क्लाइमेट। आपका कितना है? आपका 58 kg बंच आया है हमारा, बी किसान की जो पौधा लगाए थे पौधा भी वहीं से आया है और गाइडलाइन सुन रहे हैं ना आप लोग ये सारा। तो एक चीज अपने माइंड में बिठा लीजिए कि यहाँ पर केला अभी आपके खेतों में है नहीं, बट यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का पानी केले के लिए सुटेबल है और जिस हिसाब से यहाँ के फार्मरों ने 70-30 फार्मिंग को एडॉप्ट किया है, उत्पादन आप लोगों के सामने है कि 50 केजी तक का भी हम उत्पादन एक पौधे से ले रहे हैं। तो मेरे जो 3 साल का अनुभव है, कुछ मित्रों के साथ में बड़ा हूँ, तो ये बात रह गई है पीछे कि क्या हम केला हमारे खेतों में कर सकते हैं, उसका सिंगल सिग्नल है हाँ, हम हमारे खेतों में इस क्षेत्र में केला साइजेबल कर सकते हैं। अच्छा बीके बनाना आपका, तो कुछ लोगों ने तो समझ लिया कि केला करना है, तो मैं फटाफट केले को जमीन की तैयारी, केला लगाना कैसे, उनमें ध्यान किन बातों का रखना है और इस विषय को लेकर के आगे बढ़ता हूँ स्टेप बाय स्टेप। 2 सेशन है शायद हमारे, अभी पहला सेशन जितना कवर कर सकता हूँ, फिर ब्रेक है आधे घंटे का, फिर दूसरा सेशन है और फिर 4 बजे के लगभग हम फील्ड विजिट करेंगे, प्लॉट पर चलेंगे। तो जितने फार्मर है ये माइंड सेट करके रखिए, अभी अपने दिमाग को घर पे नहीं भेजना है, पेन कागज सभी आपको दे रखी है, जितना हो सके मेरी बातें जो आए उनको नोट्स बनाने हैं। शायद मैं बार बार यहाँ नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आप में से मुझे दिख रहे हैं कुछ चेहरे जो अपने क्षेत्र को लीड करेंगे, अपने क्षेत्र के क्रॉप डॉक्टर बनेंगे, अपने क्षेत्र के किसानों को कुछ गाइडलाइन करेंगे। हर गांव हर शहर में बलराम खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन क्रॉप डॉक्टर हर घर में खड़े हो सकते हैं, जो आशुतोष जी ने शुरुआत करी है, इसीलिए हमने आपको पेन और पैड दिया है कि आप ये बातों को लेकर आगे चलें। जो 3% मैंने 2010 में देखा था, ये आज की तारीख में 7.5% का एक्सपोर्ट क्रॉस कर चुका है और किसान पाठशाला ग्रुप ने 2010 में ये सोचा था कि 3% को 30% तक ले जाना है एक्सपोर्ट में भारत के, तो भारत की जीडीपी में भी सपोर्ट मिले और हमारे यहाँ के फार्मरों की भी आय 2-3 गुना हो, तो हम 7 से 7.5% तक जा चुके हैं। जो अभी मैं बातें आपको बतलाऊंगा ये हमने खेतों में अप्लीकेशन करी है उसके तहत हम गए हैं और डोमेस्टिक में जो 95% केला गड़बड़ हो रहा था, जिसमें मात्र 30% ही सही पहुंच रहा था कहीं कहीं पर, तो डोमेस्टिक में हमने 70% क्रॉस किया है। केले की क्वालिटी मेंटेन करना, अच्छी रेट में केला बेचना, आज की तारीख में केले खरीदार जनरल ठेले वाले नहीं है, मैं रिवर्स मैकेनिज्म पर बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी जो किसानों को मैं देख रहा हूं वो खेती किस तरीके से कर रहे हैं,
मेरे खेत के पड़ोस में जो ज्यादा उत्पादन पका रहा है उसको देखकर खेती कर रहा है, उसने 2 बोरी खाद डाली तो मुझे 3 बोरी डालना है, ऐसे ही खेती हो रही है। तो ये रॉन्ग मेथड है। मेरे गांव में अच्छी मीटिंग किसी ने ली जिसने खाना खिलाया और कुछ प्रोडक्ट बेच करके गया, उसने 4 बातें अच्छी बताई और उसने किसी एक मित्र के यहाँ डेमो डाला, उसने जो डाला है उससे डबल मुझे डालना है क्योंकि मुझे ज्यादा पकाना है। दूसरा तरीका ये हमारा खेती करने का। तीसरा तरीका, जो कृषि दुकानदार जहां से हम सामान खरीद रहे हैं उससे एडवाइस लेना, शायद हम तक यही जानकारियां पहुंच रही हैं, तो ये सारी जानकारियां गलत है क्योंकि इन जानकारियों में हमारे पास जो चीजें पहुंच रही है वो पहुंच रही है प्रोडक्ट आपके खेत तक कैसा पहुंचे और आपके जेब से पैसा उन तक कैसे पहुंचे। ये जो साइकिल किसान के पास गाइडलाइंस की आ रही है इसका केवल इतना ही मतलब है। हमें बात करनी पड़ेगी रिवर्स मैकेनिज्म की। एफपीओ क्यों बने हैं, भारत सरकार ने एफपीओ क्यों बनाए, रिवर्स मैकेनिज्म पर किसान के जेब में पैसा आएगा, उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा कैसे चलेंगे, मैं अभी छोटे से शब्दों में बतलाता हूं ताकि मैं जो गाइड करना चाह रहा हूं आपको वो आपके खेतों में एप्लीकेशन होना चालू हो जाए। ये मैं इन बातों को समावेश करूंगा मेरी चर्चा में। उल्टा चलना पड़ेगा। हम जब केले की बात कर रहे हैं तो सबसे आखिर में जो केला खाने वाला है उसको लास्ट में पैसा देगा कौन, जो ठेला रेडी पर चला रहा है। इसने केला रखा है अपनी रेडी पर, आखिर पैसा कलेक्ट ये करेगा ना, खाने वाले से ये पैसा लेगा। यहां से पैसा आएगा राइपनिंग चेंबर के पास जिन चेंबरों में केला पक रहा है, यहां से पैसा आएगा जो आपके खेतों से माल काटकर ट्रक भेज रहा है आगे राइपनिंग चेंबर तक लोडर, और यहां से पैसा आएगा हम किसानों के पास जो हम खेतों में केला पका रहे हैं। अल्टीमेट हमें खेती क्यों करनी है, शुद्ध सात्विक तरीके से बहुत अच्छा शुद्ध पैसा कमा पाए और हमारे घरों को अच्छे से चला पाए, बच्चों को स्कूल में अच्छा पढ़ा पाए। सही तरीके से पैसा कमाना है ना, और ज्यादा पैसा कमाना है इसलिए खेती कर रहे हैं। तो एंड यूजर जो हम, एंड प्रोडक्शन करता जो हम है, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं केले का, ऐसे हमें हमारी खेती को एक फैक्ट्री के रूप में देखना चाहिए कि मेरे 1 एकड़ का खेत है इसमें कितने केले के पौधे लगा रहा हूं, उसमें खर्चा कितना आएगा, उसको बेचूंगा मैं कहां और उससे पैसा आएगा कितना, तो ये बिकेगा कहां, इसको पकाएगा कौन और इसको खरीदेगा कौन मुझसे, ये मेरे प्रश्न है ना सारे, मेरे किसान के, मेरे मतलब हमारे। मैं अगर कुछ भी प्रवचन देकर जाऊं कि केला है 1 2 3 स्टेप्स में लगाओ बहुत अच्छा पकेगा, बट ये साइकिल आपके पास नहीं हो तो क्या पैसा आपके जेब में आएगा, 1 से 2 साल के बाद आप वापस चावल की खेती पे आ जाओ। तो मुद्दा है कि इस ठेले पर गोल्डन शाइनिंग केला कैसे जाए। आप सभी के पास मोबाइल है, आप अभी कॉपी में लिख लीजिए किसान पाठशाला। यह चैनल आपको घर जाने के बाद सब्सक्राइब करना है या यहां से जब फ्री हो तब सब्सक्राइब करना है। मैं भारत ही नहीं भारत के बाहर भी केले पर गाइड्स करता हूं। अभी जस्ट हम बांग्लादेश से आ रहे हैं, घर पहुंचा नहीं, सीधा आने के बाद रात में मैं 1 बजे यहां आपके क्षेत्र में पहुंचा हूं। रायपुर मेरा फ्लाइट था और मैंने जो गाड़ी से ट्रेवल किया तो मैं 1 बजे पहुंचा हूं। तो केले में मैं 2010 से किसानों के साथ में हूं, सीख रहा हूं और जो अच्छा लग रहा है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो 3% को 30% तक ले जाना है उसमें आप लोगों का भी योगदान रहेगा। सीखते सीखते हम 2 पैसे ज्यादा कैसे कमाएं और हमारे देश की सेवा में इसकी GDP को कैसे वृद्धि करें, दोनों में रहेगा। अब यहां पर जब हमें पीला गोल्डन केला मिलेगा तो इस ठेले वाले को रेट ज्यादा मिलेगा, ये डिमांड करेगा जिस पकाने वाले से इसने केला लिया। इस पकाने वाले से अगर ठेला वाला बार बार डिमांड कर रहा है, अभी किसके पास केला लगा है पिछले साल जिसका कटिंग हुआ, आपके पास है। एक सिंपल सी लाइन आती है केले की, जिस व्यापारी को आपने माल दिया अगर उसने 10 दिन बाद आपको फोन किया है कि आपके खेत में केला और बचा है, मैं लड़के को भेज रहा हूं
माल दिखवा लो, कल परसों गाड़ी फिर लगाता हूँ, मतलब आपका केला पास हो गया। और अगर आपको फोन करना पड़ रहा है 10 दिन बाद कि भैया मेरे केले की कटिंग आ गई है, किसी बच्चे को भेजो, देखो कितना माल निकलेगा, मुझे केला बेचना है, मतलब आपको आपके केले में सुधार करना पड़ेगा कि और क्या फिनिशिंग करें। ये फील किया आपने माल बेचते समय? छोटी सी बात है कि व्यापारी को एक बार हमने व्हाट्सएप पर फोटो भेजा और वो हमारे खेत में आकर घूम के गया, तो अगली बार उसने फोन करना चाहिए आपके माल की कटिंग कब आएगी, मतलब रेट आपका सही है ना। मुझे आते आते एक चर्चा बताई आशुतोष जी ने कि जब रायपुर में बी किसान की गाइडलाइन के बीके बनाना के केले जो थे वो 21 रुपए किलो बिक रहे थे, जब यहाँ के व्यापारी 11 रुपए 12 रुपए किलो में मांग रहे थे। ये आपने चर्चा करी मुझे, कितनी दूर है, रेट का कितना फर्क है, आपका उत्पादन डबल हो गया 21 रुपए और 12 रुपए। अगर एक एकड़ में हम 3 लाख कमा रहे हैं तो 6 लाख पे चले गए, जस्ट छोटा सा रेट वेरिएशन का फैक्टर। तो इसको खुश करना है, अपने आप फोन यहाँ पे आएगा पकाई वाले के पास, अपने आप फोन आएगा जो माल काटेगा, और अपने आप आपके खेत में वो पूछेगा कि अगली गाड़ी कटिंग पे आ गई है, मैं अपना लड़का भेज रहा हूँ। रिवर्स मैकेनिज्म पर जाना पड़ेगा। तो हम जो आज चर्चा करने वाले हैं, हमारे पड़ोस में किसी ने कभी केला लगाया था और उसका 12 किलो का बंच आया और उसका माल बिका नहीं, उस दिशा में नहीं बात करेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे कि अच्छा मार्केट हमारे पास ऑलरेडी है, आपके पास काफी बड़े बड़े शहर है, विशाखापट्टनम है, यहाँ का और बड़ा शहर कौन सा है, रायपुर है, भुवनेश्वर है, ये ऐसे बड़े शहर है कि हम डोमेस्टिक में ही केला साइजेबल बेच सकते हैं। उसके बाद बी किसान ग्रुप की टीम आशुतोष जी और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ आने वाले समय में MOU करने वाली है कि आप जो केला लगाएंगे वो 100% तक बायर की गाइडलाइन में लगाएंगे, पड़ोसी कैसा कर रहा है वैसा नहीं। बार बार मेरा मुद्दा ध्यान में रखना कि पड़ोसी ने केला कैसे पकाया था, वो बिका नहीं था, वो सोच को दिमाग से निकालना। तो जिसको हम बेचने वाले हैं उसको कैसा केला चाहिए, कितनी लेंथ चाहिए, कितना कलर चाहिए, वो सारी गाइडलाइन आपके पास 365 दिन की आएगी। उस गाइडलाइन को कैसे, मुख्य पॉइंटों को हमें फॉलो करना है, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ में बी किसान ग्रुप का एक वेंचर है जो MOU साइन करेगा कि आपका केला किस मार्केट में अच्छे रेट में बिके। तो पहले दिमाग से निकालना है जो अंकल का प्रश्न था कि केला बिकने में दिक्कत है, तो वो सारी ये FPO टीम आपकी संभाल लेगी। FPO का एक्चुअल दो ही काम है, एक एग्री इनपुट कि आपके खेतों में जो सामान आए वो कम पैसे में कैसा आए। एक सवाल जी, अभी जैसे आपने बताया कि मान लीजिए कि जो बायर और हमारे जो मान लीजिए फार्मर्स और बायर के बीच में एक MOU साइन होने वाला है, ठीक है, और ये क्या करेंगे एज पर द बायर गाइडलाइन बाय एज पर द बायर रिक्वायरमेंट, बायर की जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से ये खेती करेंगे जैसा आपने अभी कहा। अब मान लीजिए कि बायर को चाहिए G9, ठीक है, अब मान लीजिए बायर को चाहिए G9, लेकिन हमारे किसान भाई G9 खेती नहीं करते हैं, भाई यहाँ पर G9 नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि बायर को चाहिए G9, ओके, लेकिन हमारे यहाँ पर हमारे ब्लॉक में यहाँ पर G9 हो रहा नहीं है जी, सो इन दैट सेंस क्या करेंगे। तो इसके लिए FPO जो ग्रुप बना है ना, आशुतोष जी और अंकल आप सभी समझदार हैं, हमारे पास यहाँ जो लोकल वेराइटी हो रही है वो और प्रीमियम में लोकल मार्केट में जाएगी, उसके भी सारे रास्ते हैं। एक्चुअली हम पूरे भारत से डोमेस्टिक खरीदते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और लोकल जो केला है उनका वैल्यू एडिशन करके कैसे लोकल मार्केट में सप्लाई करना, उसके लिए राइपनिंग चेंबर ये खुद लगा करके यहाँ पका करके लोकल में बेच सकते हैं। G9 में एक फैसिलिटी है कि उसका जो छिलका है वो मोटा आता है तो लंबी दूर ट्रेवल करता है। मैं समझ गया कि G9 के अलावा दूसरा वेराइटी है यहाँ पर, तो उसको कैसा बेचेंगे। नहीं, उससे वो व्यक्ति आकर परचेस करेगा ना जो लोकल वेराइटी लेता होगा। हम केवल G9 परचेस करने तक की बात पर नहीं रुके, जो वेराइटी आप लगा रहे हो उसको गाइडलाइन चाहिए फर्स्ट कि कैसे हम अच्छे क्वालिटी इनहेंस करके बनाएं। फिर अगर हमारे पास सबरी केला है, हमारे पास G9 है, हमारे पास केवेंडीज है, तो इनके कौन कौन बायर है वो यहाँ पर आ जाएंगे। वो एक्चुअल केवल G9 का बायर आएगा ऐसा नहीं है, नहीं तो फिर क्या होगा, हमारा जो फार्म
पर नहीं नहीं वो घाटे में क्यों हो जाएंगे? नहीं नहीं आप कल्टीवेशन कर रहे हो एक वेराइटी, ओके, जिस वेराइटी का कल्टीवेशन होगा उस वेराइटी का बायर आएगा जो अभी एग्जिस्टिंग है, जिसके पास लगा हुआ है, बट जो नया लगाने वाला है उसको डिसीजन लेना है कि उसके पास ज्यादा पैसे देने वाला कौन बायर है, वो वैरायटी लगाए। एक तो जिसका लगा हुआ है उसी को हम बेहतर कैसे गाइड करके अच्छे बायर तक जाए। दूसरा आपको ग्रेडिंग करना है कि किस वैरायटी में ज्यादा पैसा बन रहा है, वो वैरायटी लगाना है, वो व्यापारी आएगा, वो दैट्स नॉट मैटर। बट अब जो मैं बताने वाला हूं आपको थंब रूल, प्रैक्टिस ऑफ फार्म, खेती करने का तरीका केले की, वो वैरायटी कोई सी भी हो, थंब रूल वही काम करेंगे। जमीन की तैयारी, ग्राफ, पानी देने का तरीका, फर्टिगेशन, फ्रूट केयर और हार्वेस्टिंग। इसके बाद में आएगा पील बाग मैनेजमेंट कि अगली फसल को हम कैसे लें। मैं शुरुआत करता हूं आपके साथ में नंबर वन जमीन की तैयारी। आपके पास पेन और कागज है, स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 लिखते जाइएगा जो आपको याद रखने वाली बातें हो। जमीन की तैयारी, केले की खेती में हमें कुछ थंब रूल लेकर चलना है, पुरानी फसल कोई सी भी थी, नया हमें पहली बार गहरी जुताई करना है, क्योंकि ये फसल एक बार लगाने के बाद 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक हम चलाएंगे, जो आपकी कैपेसिटी हो, जब तक आपका ऐसा है कि हमें इस फसल से पैसा आ रहा है, 5 साल 6 साल हम कंटिन्यू चलाएंगे एक ही बार लगाने के बाद। यह विधि किसान पाठशाला आपको 70-30 फार्मिंग के सूत्र से देने वाला है। इस फार्मिंग के तरीकों को कहते हैं 70-30 खेती, एक ही बार प्लांटेशन करना है और आने वाले अनेक साल तक हम उस खेत से केवल इनकम लें, इसको कहते हैं निवेश। अभी तक हम खेती कर रहे हैं खर्चे वाली, हम खेत में पैसा लगाते हैं, पहले जमीन की तैयारी करते हैं, फसल बोते हैं, फसल निकालते हैं, फिर जमीन की फिर तैयारी करते हैं अगली फसल लगाने के लिए। तो शायद छोटा सा पैमाना मैं बतलाऊं कि फसल लगाने से पहले तैयारी, फसल निकालने के बाद तैयारी, तो ये दो चैप्टर आपने अभी तक समझे होंगे कि केले की खेती जिन्होंने करी है लगभग 15,000 से 20,000 रुपए जमीन की तैयारी में लगते हैं, गहरी जुताई, गोबर खाद, रोटावेटर, फिर उसके बाद नाली निगेटिव, फिर ड्रिप, तो ये 10,000 से 15,000 पहले। और जब केला निकलता है 1-2 साल के बाद, क्योंकि हमारे दिमाग में डाल रखा है कि केले की फसल 1 से 2 बार ही ली जा सकती है, किसको पता है केले की फसल 10-20 साल ले सकते हैं, जिन्होंने किसान पाठशाला की वीडियो देखे हैं 1 2 3 तो हम आज बात करेंगे कि एक ही बार लगाकर अनेक साल तक केले को कैसे चलाएं, ताकि 1 साल में हमने फल लिया तो पहले साल तो खर्चे ही लगेंगे, जमीन की तैयारी, पौधा, ड्रिप, खाद, माल जब कटेगा तो जब हमारे पास केवल उतना ही पैसा बचेगा और बाद में फिर जमीन की तैयारी दूसरी फसल के लिए करेंगे तो फिर 20,000 रुपए एकड़ लगेंगे, तो अल्टीमेट जेब में हमारे पास 10-20 हजार ही बचा। अगर केले की खेती कर रहे हैं मिनिमम 1 लाख से 1.5 लाख रुपए अगर एकड़ का नहीं प्रॉफिट आ रहा है वन हार्वेस्टिंग, तो केले की खेती मत करना, क्योंकि पैसा बहुत लगता है। अगर इस माइंडसेट से नहीं हम गए कि हमको केले की खेती करना है और 20,000 एकड़ का ही बचाना है, तो फिर आपका निवेश ज्यादा होगा, इनकम कम होगा। अभी जमीन की तैयारी करना है तो हमें गहरी जुताई करना है, पल्टी पलो करना है, ताकि डीप स्वाइंग में वहां का जो इकोसिस्टम, पुराना जो भी फसल आपने लगाई वो क्रैक होगा, टूटेगा, वहां से एरिएशन होगा, हवा बाहर निकलेगी, तो जो पुराना बॉन्डिंग था वो आगे कंटिन्यू नई फसल में नहीं होगा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, हमें सॉइल टेस्ट करानी है, मिट्टी की जांच करानी है, और मिट्टी की जांच में हमें मेन दो बातों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट कि हमारी जमीन का पीएच क्या है, दूसरा हमारी जमीन का बायोमास कार्बन क्या है, बायोमास कार्बन कंटेंट। किसी ने मिट्टी की जांच कराई है, सॉइल टेस्ट कराया है? बहुत कम व्यक्तियों ने कराया है। तो कोशिश करेंगे हम कि सभी व्यक्ति जो भी फसल लगाएं तो कम से कम ये दो चीजों की जानकारी रहे, इससे रिलेशन है आपकी जमीन की तैयारी का। हमारे खेत का पीएच क्या है, प्रेजेंटली हाइड्रोजन क्या है, और हमारे खेत में बायोमास कार्बन क्या है।
स्वस्थ मिट्टी की पहचान अगर करनी है तो उसका एक सूत्र है, 25% तक हवा, 25% तक पानी, 5% कार्बन और 45% मिट्टी। ये जो कॉम्बिनेशन है ये स्वस्थ मिट्टी का कॉम्बिनेशन है। ये आप लिखिए, ये नोट्स बनाइए, आपके पास पेन पैड है, ताकि ये चीजें आप हमेशा याद रखें, फसल कोई सी भी हो। 25% पानी, 25% हवा, 25% कार्बन और 45% मिट्टी। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है आपकी स्वस्थ मिट्टी का। अब इसको जीवंत करना है, समझ में आ रहा है? अभी हम स्वस्थ तक पहुंचे हैं क्या? मैंने अभी आपके सारे चावल देखे तो डबरी कीचड़ से भरे हुए हैं, और केले की खेती में भी हमें ये पता है कि ज्यादा पानी लगता है। हेलो, हमें पता है ना, केले की खेती करेंगे ज्यादा पानी लगेगा। ज्यादा पानी दिमाग से निकालना है हमें। जब भी केले में पानी देना है तो जड़ों के पास 25% हवा, 25% पानी रहेगा तो पौधा स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा और न्यूट्रिशन अपटेक करेगा। वो मायने रखेगा आपकी जमीन का पीएच क्या है, आपकी जमीन कितनी कॉम्पैक्ट हो चुकी है। मिट्टी का पीएच होना चाहिए 6.5 से 7, और कार्बन प्रतिशत होना चाहिए 1 से ज्यादा 5 तक, तो इसे कहते हैं स्वस्थ मिट्टी। तो हमें मिट्टी की जांच करानी है, अगर यहाँ पर फैसिलिटी है तो ठीक है, वरना ये जो आपकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है त्रिलोकेश्वर, ये बी किसान ग्रुप से जुड़े हुए हैं और बी किसान ग्रुप पूरे भारत की सॉइल टेस्ट करते हैं। आपको जस्ट सैंपल उठाना है, इन तक पहुंचाना है, ये कोरियर कर देंगे, 200 ग्राम सैंपल चाहिए और 8 दिन के अंदर आपको सॉइल टेस्ट रिपोर्ट मिल जाएगी। अगर यहाँ कोई सॉइल टेस्ट है तो आप कराइए, ताकि हम खेती आगे बढ़ाएं तो उसमें पीएच और कार्बन प्रतिशत चेक करके उस खेती को कैसे हम करें। इसमें छोटी सी बातें मैं एक बतला दूं आपको, कि अगर पीएच क्या हुआ तो हमें क्या करना है, और कार्बन प्रतिशत तक क्या हुआ करना है। ये मायने रखेगा आपका लैंड प्रिपरेशन, जमीन की तैयारी में। हमने पहला काम किया गहरी जुताई, फिर हमने पीएच का टेस्ट कराया कि पीएच क्या है। पीएच का टेस्ट हमने कराया, वो आया अगर 7, या किसी का आया 7.5, किसी का आया 8, किसी का आया 8.25। किसी ने सॉइल टेस्ट कराया है? पीएच क्या आया था आपके यहाँ? 6.8। इस तरह का कुछ आंकड़ा आएगा। अब जमीन की तैयारी करते समय जो आंकड़ा आए उसमें आपने करना क्या चाहिए, वो मुद्दा है। सॉइल टेस्ट तो करा लिया, पीएच आ गया, वो पता चल गया, अब करें क्या? कि जो भी हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं वो खेत में फिक्स हो रहा है और जमीन को कड़क कर रहा है। साधारण भाषा में जब हम जुताई करते हैं तो कड़क ढेपे बनते हैं, वो फूटते नहीं है, उन जमीनों का पीएच ज्यादा आएगा। जिन जमीनों में हमने जुताई करी और ढेपे फूट गए उन जमीनों का पीएच आएगा कम, ठीक है। अब पीएच 6.8 मतलब सही है, 7 तक सही है। अगर 7 के अंदर तक आ रहा है, 6.5 से 7 आ रहा है, तो आपको प्रति एकड़, ये लिखने वाली बात है, प्रति एकड़ 3 ट्रॉली गोबर डालना है। यहाँ पर शुगर फैक्ट्री है आसपास? नहीं है। तो प्रति एकड़ 3 ट्रॉली गोबर डालना है, तीन ट्रॉली गोबर ये पूरे खेत में फैला कर डालना है। पलटी पलव करने के बाद जब रोटावेटर कर दें या बड़ा लक्कड़ घुमा दें उसके बाद, ताकि ये गोबर ऊपर की लेयर पर जमा हुआ रहे। दूसरा, 6.5 से 7 पीएच आ रहा है तो प्रति एकड़ आपको 300 केजी आपको डालना है जिप्सम। जिप्सम में आता है सल्फर और कैल्शियम, और ये कोई खाद नहीं है, ये खदानों की एक तरह की मिट्टी आती है जिसमें कैल्शियम प्रतिशत बहुत ज्यादा आता है, सल्फर का प्रतिशत बहुत ज्यादा आता है। तो जब हम केले की खेती करेंगे तो हमें मार्केट से वाटर सॉल्युबल खरीदना कम पड़ेगा, कैल्शियम नाइट्रेट सल्फर डब्ल्यूडी मिलना थोड़ा कठिन है, तो उसकी अवेलेबिलिटी के लिए मैं कुछ नंबर दूंगा,
मैं कुछ नंबर दूंगा खदानों के, जिप्सम मिलता है खदानों में, तो आप यूनिटी बना करके डायरेक्ट ट्रक अवेलेबल करा सकते हो टन में, और वो किसान बांट सकता है या आपका एफपीओ बुला सकता है। टन में आता है लगभग, ये मिलता है 50 रुपए 100 रुपए टन, शायद आने वाला भाड़ा ज्यादा आपको लग जाएगा, बहुत सस्ता मिलता है खदानों में। ये आपका सिंगल सुपर फास्फेट आता है ना, उस तरीके का आता है, बट उससे आधी से आधी कीमत में आता है। अगर ये हम खेत की तैयारी करते समय डालेंगे तो हमें आने वाले समय में कैल्शियम नाइट्रेट और सल्फर डब्ल्यूडीजी मार्केट से खरीदना नहीं पड़ेगा। एक दूसरा, जिनका पीएच 7.5 या 8 है, उस जमीन को ये ढीली करने में मदद करेगा। सल्फर जाता है तो पीएच को धोता है, क्षार को रिलीज करवाता है, इसलिए जिप्सम डालना हमें जरूरी है। अब यही अगर 7.5 से 8 पीएच है तो आपका ये गोबर 5 ट्राली हो जाएगा, जिप्सम आपका 1 टन हो जाएगा 1 एकड़ पे। अगर आपका 7.5 से 8 पीएच आता है और अगर 8 पीएच के ऊपर आता है तो ये 5 ट्रॉली की बजाय 8 ट्रॉली होगा और ये 1.5 से 2 टन होगा 1 एकड़ में जिप्सम डालने का। ये जमीन की तैयारी का बता रहा हूं, प्लांटेशन करने के पहले का। हालांकि जब आप बी किसान ग्रुप से जुड़ेंगे तो आपको 365 दिन का शेड्यूल आएगा, लेकिन आपके माइंड में थंब रूल रहे कि हम जमीन की तैयारी करने से पहले क्या करें, वो चीजें बहुत ही जरूरी है। ये छोटी सी लाइन है, जमीन की तैयारी कैसे करना और उसमें जिप्सम और गोबर खाद का समावेश कैसे लेना, इससे संबंधित किसी के प्रश्न है? जियो टैगिंग, हाँ ठीक है, तो कैसे होता है सर? वहाँ तो कुछ नहीं डालते जियो टैगिंग में, मतलब तो बिना ये पट्टी पट्टी करके जीरो टिलिंग। हाँ, मुझे जीरो टैगिंग समझ में आया, मतलब गूगल का टैग, जीरो टिलिंग। तो पहली बार जब हम फसल चेंज कर रहे हैं तो एक बार हमें लैंड प्रिपरेशन के लिए ये करना है, आगे मैं आपसे कोई कल्टीवेशन नहीं करवाने वाला हूँ, आगे जो आने वाला हूँ जीरो टिलिंग में ही चलेंगे हम, तो आगे हमारे खर्चे होंगे नहीं। शुरुआत में अभी जो मैं देख रहा हूँ आपकी चावल की फसलें बहुत ज्यादा हो रही है, तो जो आपने पानी भरण करके रखा है उससे आपके खेतों में जो ऑलरेडी फंगाई आ चुकी है, क्योंकि आप चावल लगाते समय भी उसमें ट्रैक्टर तो चला रहे हैं, उसमें कॉम्पैक्ट तो कर रहे हैं, तो जो कॉम्पैक्टनेस बन गया है एक बार उसको तोड़ना है। अब हम जो 70-30 फार्मिंग करेंगे आगे, तो आगे मैं आपसे ट्रिलिंग नहीं कराने वाला हूँ। और तो दूसरा विकल्प नहीं है ना सर चावल के लिए, वो समझ गया मैं। तो मैंने जो देखा, इसके लिए केले में कैसे प्रवेश करें, इसलिए पहली बार आपको पलाऊ करना है, बाद का मैं आपको बतलाता हूँ कि खेती कैसे करें, ठीक है। ये हुई जमीन की तैयारी। दूसरे नंबर पे आता है पानी देने का तरीका, कैसे देंगे। तीसरे नंबर पे आएगा ग्राफ, चौथे नंबर पे आएगा खाद। अब हमारे पास पानी देने का तरीका, केले की खेती में हमें चयन करना है ड्रिप एरिगेशन को, क्योंकि थंब रूल में जो आपको मैंने बताया कि जमीन में 25% हवा और 25% पानी होना चाहिए और 5% बायोमास और 45% मिट्टी। तो ये पानी और हवा हम ड्रिप एरिगेशन से खेती करेंगे तो पॉसिबल है हम नियंत्रण करके इसको हमारे खेत में मैनेज कर सकते। अगर हम फ्लड एरिगेशन से खेती करेंगे तो पॉसिबल नहीं है मैनेज करना, तो हमारे खेतों में फंगस वायरस डिसीज आती रहेगी, क्योंकि हमारी पुरानी फसलें चावल की है, जो ज्यादा पानी हमारे खेतों में रहता है वो ऑलरेडी हम वो फसल कर रहे हैं, और जहां पर भी ज्यादा पानी होता है वहां पर सॉइल बोर्न डिसीज आती रहती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो हमें ड्रिप एरिगेशन पे जाना है। थंब रूल की मैं बात कर रहा हूँ कि हमें खेती केले की कैसी करना है। अब हम जब ड्रिप एरिगेशन पे जाएंगे तो ड्रिप लगाएगी कैसे और पौधे का ग्राफ होगा कैसे, लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी। ओके, ड्रिप लगेगी 5 फीट पर, ये जो ड्रिप की लाइनें हैं ये 5 फीट पर रहेगी। पीछे दिख रहा है क्या, ऊपर करूं इसको? ड्रिप की जो लाइनें रहेगी वो लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रहेगी। समय कम है तो मैं सीधे पॉइंट पर आकर के आपको लिखवा रहा हूं। ये जो हमारा खेत है
इस खेत में जब ड्रिप डलेगी आपकी, तो ये जो लाइन से लाइन की दूरी है ये 5-5 फीट पर रखना है, 5-5-5 यस, 5-5-5 पर ये ड्रिप रखना है, एक ड्रिप से दूसरी ड्रिप की दूरी। अब ड्रिप के अंदर आता है ड्रिपर, जो पानी ड्रॉप करता है ड्रिप के अंदर, जहां से पानी गिरता है उसको बोलते हैं ड्रिपर। तो मायने रखेगा कि ड्रिपर की दूरी कितनी हो और उसका डिस्चार्ज कितना हो, एक ड्रिपर एक घंटे में कितना पानी दे। तो जिस तरह से मैंने आप लोगों की सॉइल देखी है, जो मैंने समझा है यहाँ का, कुछ छत्तीसगढ़ में भी मैंने विजिट किया है, वहां की भी सॉइल देखी है, तो एक केले की खेती में क्या बेस्ट हो सकता है, 16 mm की ड्रिप, 2 लीटर का डिस्चार्ज और 40 cm पर ड्रिपर, LPH MM। तो ड्रिप जब आप किसी से परचेज करो तो उसको क्या बोलना है, 16-2-40 आपको ड्रिप चाहिए, 16 mm की उसकी थिकनेस, 2 लीटर डिस्चार्ज हर ड्रिपर एक घंटे में पानी दे और 40 cm पर ड्रिपर। तो ये जो ड्रिप आएगी आपकी, ये जो ड्रिपर लगेगा, ये जो पानी यहाँ से बूंद बूंद देगा और दूसरे ड्रिपर की जो दूरी आएगी, ये 40 cm मतलब 1.25 फीट, 2 लीटर एक घंटे में पानी देगा ये जो ड्रिपर है, जो पानी बूंद बूंद गिराएगा, 16-2-40। तो LPH लीटर पर हवर, एक घंटे में 2 लीटर पानी देने वाली ड्रिप आपको लेना है, 1.25 फीट पर ड्रिपर लेना है, 5 फीट पर ड्रिप डलेगी। तो आपकी लाइन से लाइन की दूरी भी हो गई 5 फीट। अब जो हम केला लगाने वाले हैं वो लगाएंगे 5x9 पर, लाइन से लाइन 5 और पौधे से पौधा 9। इसमें आपके 1 एकड़ में 1000 पौधे आने वाले हैं। लगाने का तरीका भी समझिए कि किस तरीके से लगेगा। लाइन हमने बनाई है 5 फीट पर ड्रिप डाली है, तो 5 फीट पर पौधा लगा यहां से यहां, बट पौधे से पौधा 9 फीट पे आएगा, ये 9 फीट पे आएगा, कि पौधे से पौधे की दूरी 9 फीट है। सामने पौधा नहीं आएगा, ये पौधा आएगा तिरछा, जिगजैग कहते हैं इसको, समझ में आया, ये प्रक्रिया को बोलते हैं जिगजैग, ऐसे जिगजैग बोलते हैं इसको। आमने सामने नहीं आएगा, तिरछा आएगा। अगर हम आमने सामने पौधे लगाते हैं तो उसका दुष्परिणाम क्या है, ऐसे लगेंगे आमने सामने, उसमें गड़बड़ी क्या होगी कि जब पौधा बड़ा होगा तो पत्ता एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा। इस पौधे का पत्ता यहां पे आया, इस पौधे का पत्ता यहां पे गया, ऐसा आएगा पत्ता, एक पत्ते के ऊपर दूसरे पौधे का पत्ता आएगा, तो सूर्य की रोशनी नीचे वाले पत्ते पर लगने वाली नहीं है। तो ये पत्ता कितना भी हरा हो, अच्छा हो, भोजन को पचाने में काम नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा जब ऊपर इसके पत्ता आ गया, तो हमारे उत्पादन में घटोतरी आएगी, कमी पेशी आएगी। जो अभी आप सुन रहे हो ना, 46 kg 50 kg लिया, तो इनमें सभी चीजों का समावेश है कि ग्राफ क्या लिया, लाइन से लाइन पौधे से पौधे की दूरी क्या ली, पानी कैसा दिया, खाद कब कब दिया, किस महीने में लगाया, उसको मिट्टी कब लगाई, ये सभी चीजों का समावेश है। तो एक पौधे से 50 किलो निकल के आना संभव है, वरना नॉर्मल प्रैक्टिस में 15 किलो केला लगा दो ऐसे ही पक जाएगा। केला खेत में लगा दो, बिना खाद के भी होगा, केला खेत में लगा दो, गुड़ गोबर गोमूत्र महीने में एक बार डाल दो, पानी जब मन करे तब दे दो, ऐसा लगे कि केले को चाहिए तब दे दिया, हम जब फ्री हो तब दे दिया, तो 15 से 18 किलो आपका उत्पादन आ जाएगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। और पूरे भारत में मैक्सिमम अंदाज पंचे दामोदर ये खेती हो रही है। सर ये जो 16-2-40 हाँ, ये जमीन के ऊपर वरी कर सकता है? नहीं, वरी नहीं करेगा, क्योंकि केले को एक दिन में कितना पानी लगेगा वो मैं चैप्टर लेके आऊंगा, उसमें ये आपको समझ में आ जाएगा कि पर पौधे को प्रतिदिन क्या टेम्परेचर है तो कितना पानी लगेगा। जमीन हमारे पास काली है, जमीन हमारे पास पीली है, जमीन हमारे पास लाल है, जमीन रेतीली है या जमीन चिकट है, उसमें पानी देने का टाइमिंग चेंज होगा, बट जो डिस्चार्ज और फ्लो है वो यही बेस्ट है। इससे माइक्रो इरिगेशन पे जा सकते हैं, बट वो आपके बजट को बढ़ाएगा।
कि ये जो 16-40 हाँ ये जो मुरुम समझते हो हाँ मुरुम अभी वो मतलब मिट्टी में पानी दिया तो ड्रेन हो जाएगा मुरमाड़ में हाँ। पानी दिया तो जल्दी बह जाएगा हाँ। उसमें भी मैं आपको अभी जब पानी प्रबंधन आएगा उसमें समझाऊंगा कि उस मिट्टी में कैसे पानी दें। एक अच्छी इरिगेशन करने की जो लाइन है वो तो है कि कितना कम से कम डिस्चार्ज आप रखो, 1 घंटे में 600 ml, 1 घंटे में 1 लीटर, 1 घंटे में 1.25 लीटर ही पानी एक ड्रिप पर गिराए। लेकिन उसमें एक दुविधा होती है कि हम जो कम डिस्चार्ज वाली ड्रिप है वो एक तो आपको पहली बात मिलेगी मार्केट में महंगी, तो पहला खर्चा आपका हो गया ज्यादा। दूसरा हमारे पास खेत में बिजली की अवेलेबिलिटी कितनी है, क्योंकि जब केला फूल वयस्क अवस्था में रहेगा तो उसको एक पौधे को 50 लीटर पानी लगेगा प्रतिदिन, 50 लीटर पानी पर डे लगेगा जब वयस्क अवस्था में रहेगा, और 1 एकड़ में 1000 पौधे रहेंगे तो आपको 50,000 लीटर पानी लगेगा प्रतिदिन 1 एकड़ में। तो जब कम डिस्चार्ज की ड्रिप लेंगे और आपके पास लाइट ड्यूरेशन कम है, 8 घंटे की रोशनी है या 10 घंटे की रोशनी है, तो फिर आपकी खेती को पानी प्रबंधन में मैनेज करने में गड़बड़ी आएगी। तो सारे मैंने फॉल देखने के बाद मैं इस डिसीजन पर पहुंचा हूं कि केले को ये सबसे बेस्ट ड्रिप शूट होती है। मैक्सिमम हर फील्ड पर किसी की फील्ड एरर है तो उसको हम पर्टिकुलर समझ करके फिर उसका डिजाइन कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। पौधा लगाना कैसे है, जिगजैग, पौधे से पौधा 9 फीट, लाइन से लाइन 5 फीट। हम अगर आमने सामने लगाएंगे तो यह एक दूसरे पर ओवरलैपिंग करेगा, और यहां का पौधा कैसे पत्ता देगा ये देखने वाली बात है। अगली लाइन में फिर सामने जिगजैग आएगा, अगली लाइन में फिर सामने जिगजैग आएगा। तो इसमें ध्यान से आप देखोगे तो ये पौधा और ये पौधा 10 फीट हो गया, क्योंकि लाइन 5 में आ गई और बीच में पौधा नहीं है। ये पौधा और ये पौधा 9 फीट हो गया, तो केले का पौधा का पत्ता आएगा तो ऐसे आ जाएगा, यहां पर डिस्टेंस बढ़ गई बट पौधा उतना ही है। अब ये पौधा जो पत्ता देगा, ये पौधा जो पत्ता देगा तो यहीं पर मिलेगा ना, क्योंकि 10 फीट हो गया, ओवरलैपिंग नहीं होगा। अब ये पौधे ने पत्ता दिया तो कहां दिया, ये पौधे ने पत्ता दिया तो कहां दिया, सराउंड ग्राफ मिलेगा, पूरे पौधे को सराउंड ग्राफ मिलेगा, सूर्य की रोशनी हर पत्ते तक पहुंचेगी। तो उत्पादन बढ़ने की गिनती यहां से चालू होती है कि आपका लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी क्या है। मतलब मेड़ पर भी एक लास्ट पौधा लग सकता है, लगाना ही है मेड़ पर भी पौधा लगाना ही है, और इसके बाद में गन्ना घास लगाना है, खेत के चारों तरफ बाउंड्री बनानी है। ये अंदर का ग्राफ मैंने बताया, बाहर आपको गन्ना घास, हाँ नेपियर, दो दो फीट पर पूरे खेत के चारों तरफ नेपियर घास लगानी है, जो आपके खेत में क्लाइमेट कंट्रोल का काम करेगी। गर्मी में गर्म हवा खेत के अंदर जाएगी नहीं, ये स्वेटर वो एक कर्टन का काम करेगी, जैसे कूलर की बॉडी के आसपास पानी गिरता है वो खस, आगे पंखा पानी फेंकता है तो गीली जगह से हवा निकल के आती है तो आगे ठंडा हवा जाता है। कूलर देखा है ना आपने, वो प्लांटेशन में कब लगाना है, जब केला प्लांटेशन कर रहे हैं तभी आपको दो दो फीट पर नेपियर घास लगाना है पूरे खेत की बाउंड्री पर। इसका हाइट कितना है, हाइट जाएगा इसका 10 फीट 12 फीट 15 फीट, वो चाहिए हमें ताकि केले के खेत के अंदर गर्म हवा ना घुसे, ठंडी हवा ना घुसे, जो हवा जाए वो छन कर जाए तो अंदर सॉफ्ट हवा बन जाए। केले को चाहिए नहीं, गन्ना काम नहीं देगा, क्योंकि गन्ना जब ऊपर जाएगा तो नीचे के पत्ते सूख जाएंगे, नेपियर जब ऊपर जाता है तब भी हरे पत्तों की संख्या ज्यादा रहती है, हमें बाउंड्री पर पूरी बाउंड्री पैक चाहिए हरे पत्तों की संख्या में। मैक्सिमम मैं 2006 से 2023 तक जो आगे बढ़ा हूँ, ये जो मैंने सेशन किया है 3 साल इधर 6 साल इधर 9 और बीच के 10, टोटल 19 साल की जो मेरी जर्नी है उसमें मैक्सिमम जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ निचोड़ करके बता रहा हूँ। नेपियर की जगह गन्ना नहीं, नेपियर की जगह कोई दूसरा पौधा नहीं, मक्का नहीं, ज्वारी नहीं, ये सब छोटी फसलें, नेपियर घास 3-4-5 साल चलेगी जितना आपका केला चलेगा। सारा निचोड़ लेकर के मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ कि किस चीज को पकड़े ताकि आपको 1-2 साल ठोकर ना खानी पड़े और सीधे ही आप
राइट पॉइंट पर पहुंच करके मेरे 19 साल की जर्नी का निचोड़ आप लें और आज से 19 साल आगे हो जाए। ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी, सीड मिलता है, बीज मिलता है, तो पेरी अपन अवेलेबल कर लेंगे। यहाँ बहुत सारे किसान कुछ गाय भैंस के लिए करते ही होंगे। गाय खाती है? नहीं, गाय खाती है, बहुत अच्छे से खाती है, वो गाय का ही चारा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? बाउंड्री पर नेपियर घास। अभी पूरा 3 घंटा मैं सिर खाऊंगा, आप एक दूसरे का मत खाओ। बाउंड्री पर नेपियर घास और पौधे से पौधा 9 फीट, लाइन से लाइन 5 फीट। यहाँ समझ में आया ग्राफ क्या होना चाहिए? नेक्स्ट कड़ी, इसमें लाइनें कैसे बनाएंगे अब वो मैं बताने जा रहा हूं। खेत में हम जब जिप्सम और गोबर खाद डालने के बाद फाइनल रोटावेटर करके पूरी जमीन को फ्लैट करके रखेंगे और जब हम ड्रिप डालेंगे उस समय हमें कुछ नालियां बनानी है, नालियां बनानी है, तो नालियां बनेगी 10-10 फीट पर। आपको खेत में निशान करना है 10-10 फीट पर। पूरा खेत बराबर हो गया, ये फ्लैट खेत है, ठीक है, इसमें आपने एक पॉइंट पकड़ा, वहां से 10 फीट पे निशान लगाया, वहां से 10 फीट पे निशान लगाया, वहां से 10 फीट पे निशान लगाया, उसके ठीक सामने एक निशान लगाया 10-10 फीट पे। हमें नालियां कैसे बनानी है खेत में? यहां से यहां एक नाली बनी, नाली समझते हैं ना, फिर अगले 10 फीट पर दूसरी नाली बनी, अगले 10 फीट पर तीसरी नाली बनी, अगले 10 फीट पर चौथी नाली बनी, 10-10 फीट पे नाली बनाना है। तो खेत है समतल, नाली बनाई तो कैसा दिखेगा? नाली, फ्लैट, फिर नाली, फिर फ्लैट, फिर नाली, फिर फ्लैट, ऐसा दिखेगा ना? 10 फीट पे नाली बनाओगे तो ऐसा ही दिखेगा। अब ये नाली बनाने के बाद इसमें 5-5 फीट पर ड्रिप डालनी है। एक ड्रिप आई, फिर यहां से नापा आपने 5 फीट, फिर यहां से नापा 5 फीट, फिर यहां से नापा 5 फीट, फिर यहां से नापा 5 फीट, यहां से नापा 5 फीट। एक जो ड्रिप डली ये नाली के ऊपर, जो नाली बनी है नाली में हम कुछ काम नहीं करेंगे, नाली जस्ट मार्किंग के लिए है। नाली के ऊपर हमने एक ड्रिप डाली और यहां से नाप किया हमने 5 फीट पर दूसरी ड्रिप, फिर यहां से नाप किया 5 फीट पर तीसरी ड्रिप, फिर यहां से नाप किया 5 फीट पर चौथी ड्रिप। तो ड्रिप कैसे डाली? 5-5 फीट पर। समझ में आया? अब आपकी नाली कैसे हो गई? एक नाली एक बराबर है, फिर एक नाली है, फिर एक बराबर है, फिर एक नाली है। ये कर सकते हो ड्रिप डालने के पहले। दूसरा, किसी ने ड्रिप डाल दी पहले ही 5-5 फीट पे ड्रिप डाल दी, तो एक नाली कर दो, एक को छोड़ दो, एक नाली कर दो, एक को छोड़ दो, एक नाली कर दो, एक को छोड़ दो, दिखेगा ऐसा ही पट्टा पद्धति दिखेगी। समझ में आया? ड्रिप रहेगी नाली के ऊपर। अभी नाली क्यों चाहिए, इसकी आवश्यकता क्यों है? यह काम करेगी एयर कर्टन का, हवा को बाहर भेजने का। जब यह ड्रिप का पानी बूंद बूंद करके गिरेगा, ड्रिप का पानी बूंद बूंद करके गिरेगा तो पानी अंदर जाता है, कोई भी चीज अंदर जाएगी तो उसको बाहर निकलने की जो एक्सेस है उसको जरूरत जगह चाहिए। फ्लैट सरफेस पे सीधे बाहर कुछ आता नहीं, जैसे यह बूंद बूंद गिर रहा है तो ये एयर कर्टन का काम करेगी, हवा यहां से बाहर निकलेगी तो यहां पानी आपका अच्छे से फैलेगा। इस ड्रिप की जो बूंद बूंद गिर रही है इसके लिए एयर कर्टन का काम इस तरह की इस तरफ करेगा तो यहां पानी अच्छे से फैलेगा। ड्रिप का पानी बूंद गिरी तो ऐसा तिरछा फैलता है, सपाट नहीं फैलता। हम जब फ्लड का पानी देते हैं तो पानी सपाट फैलता है, फैला कर देते हैं ना, तो उसमें हवा निकलने की जगह नहीं रहती, हवा निकलने की जगह नहीं रहती। तो जब आप पानी देते हो तो पानी देते हो तो कुछ समय के लिए पच 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 रहता है, फिर कीचड़ कीचड़ रहता है 2-3 दिन के बाद, फिर ड्राइनेस होने लगती है, फिर जैसे ही क्रैकिंग आती है तो जल्दी से सूख आ जाती है। नोटिस किया आप लोगों ने? फ्लड से पानी दिया तो जब तक पानी तैर रहा है आपको जल्दी से रिलीज नहीं मिलेगा, पानी जल्दी से निकलेगा नहीं,
जैसे ही धीरे 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 वो गया और कहीं क्रेकिंग आई, छोटी सी क्रेकिंग है, फिर जल्दी से सूख मिलेगी क्योंकि हवा एरिएशन हो रही है, तो फिर आपका पानी ड्रॉप होता है। इसलिए हमें नाली चाहिए कि जल्दी से पानी ड्रेन हो, पानी निकले, पानी फैले। इसलिए इस लाइन को इधर से ड्रेन मिलेगा, इस लाइन को इधर से ड्रेन मिलेगा, इस लाइन को इधर से ड्रेन मिलेगा, इस लाइन को इधर से ड्रेन मिलेगा। हमें बहुत बड़ा बेड बनाने की आवश्यकता नहीं। छत्तीसगढ़ में अगर आप जाकर फार्मिंग देखोगे तो यहां से नजदीक है इसलिए बात कर रहा हूं, वहां पर बहुत हाईटेक खेती हो रही है। ऐसे टीले बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं बेड, उस पर ड्रिप, उसमें पौधा, इस तरीके से बनता है वहां पर। ये भी यही चला, इसके ऊपर ड्रिप और यहां पर पौधा। ये रॉन्ग मेथड है। इसमें पहले दिन पौधा लगाया तो उसका व्यास का नाप करोगे, पौधे का ऐसा नाप करोगे तो इसकी लाइन आएगी 1 से 1.5 इंच की। एक महीने बाद ये 5 इंच का होगा, मोटाई फैलेगी ना। फिर एक महीने के बाद 10 इंच का होगा, फिर एक महीने के बाद 15 इंच का होगा, फिर एक महीने के बाद 20 इंच का होगा, 5 महीने में 25 इंच तना फैल जाएगा। पौधा बड़ा होगा तो मोटाई भी फैलेगी। और जब आप ये सिंगल बेड पद्धति करते हो, ये जो आपकी ड्रिप बीच में डली थी ये कहाँ जाएगी? पौधे के पास, जहां पौधा है। आपने बेड बनाया, ड्रिप डाला यहां पर, अब पौधा मोटा हो गया तो ड्रिप कहां आ गई? साइड में आ गई ना। और आपका बेड का किनारा है तिरछा, ये ड्रिप यहीं रहेगी या फिसल के नीचे आएगी? नीचे आएगी। तो पौधे के पास पानी की अवेलेबिलिटी कम, जहां हम पैर रख रहे हैं, चल फिर कर रहे हैं, ये नाली बनी ना, एक इधर से नाली है, एक इधर नाली है, ड्रिप आ गई बीच में। अब हम खेत के अंदर जाएंगे तो कहां पैर रखेंगे? जो बेड है उसके ऊपर तो चल नहीं सकते, उसके ऊपर तो पौधा लगा के रखा है। अब एक बेड ये हो गया, फिर एक बेड हो गया, फिर एक बेड हो गया, तो बेड पर चल फिर कर सकते हैं, यहां तो पौधा है, हमें यहां चल फिर करना है। खेत के अंदर जाना है, पौधे को ध्यान रखना है, उस पर काम करना है, उसके पील पत्ते साफ करना है, निंदाई गुड़ाई करना है, तो पैर कहां रखेंगे? और पौधा मोटा होने के बाद आपकी ड्रिप कहां रहेगी? नीचे। तो जहां पानी रह रहे हैं वहीं किसान अपना वजन रख रहा है, कॉन्सेप्ट समझना। जहां ड्रिप है वहीं हम पैर रख रहे हैं तो वो जमीन होती जाएगी कड़क। कड़क जमीन में किसी भी पेड़ के जड़े जाएगी क्या? हम उसी कड़क जमीन में फिर फर्टिगेशन करेंगे, एरिगेशन करेंगे, और पौधे की जड़े यहां जाएगी नहीं, तो पौधा आउटपुट देगा 15-18-17 किलो। इस पैटर्न में हमने ड्रिप रखी है, यहां पर बराबर जगह है, कोई बेड बेड बनाया नहीं, हमने नाली बनाई है। तो ये बेड बना कितना? इस जगह से इस जगह की दूरी है 10 फीट, ठीक है। हमने नाली बनाई 1.5 फीट इधर, 1.5 फीट इधर, तो नाली में कितना गया? 3। ये बचा कितना? 7। 1 फीट अंदर ड्रिप है, 1 फीट अंदर ड्रिप है, तो बीच में कितना बचा? 5। ड्रिप से ड्रिप 5, नाली 3 फीट की, 1 फीट अंदर ड्रिप। अब आपका बेड कितना चौड़ा बना? 7। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं 70-30 फार्मिंग। 10 फीट की जगह में 7 फीट पौधे के लिए, 3 फीट हमारे चलने के लिए, तो ये 70-30 खेती हुआ। ये 3 फीट की नाली है हम किसानों के काम करने के लिए, खेत में अंदर बाहर चल फिर करने के लिए। न यहाँ हम पानी देंगे, न खाद देंगे, न पौधे की जड़ों को चलाएंगे। ये 30% जगह हम किसानों के लिए, जहां हम पानी दे रहे हैं ये 70% जगह पौधे के लिए। यहां हम ड्रिप से पानी चलाएंगे, यहां हम खाद देंगे, यहां जो पौधा लगेगा उसकी जड़ें यहां ग्रो करेगी, ज्यादा मात्रा में यहां ग्रो करेगी। ड्रिप का पानी जो आता है वो ऐसा फैलता है, सपाट नहीं फैलता, ऐसा फैलता है मल्चिंग। ड्रिप का जो पानी आता है वो तिरछा फैलता है, सपाट नहीं फैलता है। तो ये जो आपका कोना है यहां से भी पानी थोड़ा थोड़ा तो नीचे आएगा ना। तो पौधे से 1.5 फीट इधर जड़े आई और 7 फीट इधर जड़े गई, समझ रहे हो? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं 70-30 खेती।
30% हमारे किसानों के काम करने के लिए, 70% पौधे के चलने के लिए काम करने के लिए। ये पैटर्न में इस जगह पर कभी भी कल्टीवेशन नहीं करेंगे जो जीरो टिलिंग की आप बात कर रहे हैं, जहां पौधे की जड़ों को हमें चलाना है यहां कभी कल्टीवेशन नहीं करेंगे। यहां हमेशा हम बायोमास अच्छादन करेंगे, कचरा मल्चिंग करेंगे, खेत की निंदाई गुड़ाई खरपतवार जो निकल रहा है यहीं पर पहले दिन से ड्रिप के नीचे डालेंगे। आपके पास पौधा लगाने से पहले अगर मक्का है, चावल की पराली है, ऐसा कोई भूसा है जिसके अंदर हवा आ जा सकती है, गेहूं का भूसा नहीं, धान का भूसा भी नहीं, चावल निकलने के बाद जो छिलका बचता है वो चलेगा, राइस हस्क वो चलेगा, या चावल की लंबी लंबी परालियां जो आती है उसको बिखरा कर यहाँ पर पहले ही दिन से मल्चिंग कर दोगे। पराली अवेलेबल है सर, पराली अवेलेबल है, सबसे अच्छी बात है। और अभी सफिशिएंट है, पौधा लगाने के पहले ही आप पराली डाल दो तो आपको यहाँ निंदाई गुड़ाई आएगी नहीं, और यहाँ पानी दोगे नहीं तो यहाँ वैसे भी निंदाई गुड़ाई आएगी नहीं, और यहाँ निंदाई गुड़ाई आई तो यहाँ आप कल्टीवेशन कर सकते हो, बखर कोल्पा ट्रैक्टर यहाँ पर चला सकते हो। यहाँ पर हमें कचरा मल्चिंग पहले दिन से करना है, उसके ऊपर ड्रिप रखना है, तो यहाँ पर सूर्य की रोशनी मिट्टी में जाएगी नहीं तो नया खरपतवार निकल के आता नहीं, तो आपको निंदाई गुड़ाई करने का काम खत्म हो जाएगा इस पद्धति में। कॉन्सेप्ट समझ में आया, पौधा लगाना कैसा है, ड्रिप डालनी कैसे है, बिना ड्रिप की हम केले की खेती करेंगे नहीं। थम रूल है, रेनगन से होगा कि नहीं? सॉरी, रेनगन से नहीं होगा, फ्लड से नहीं करना है, रेनगन से नहीं करना है, ड्रिप से करना है, केले की खेती ड्रिप से करना है। रेनगन से होगा आपका गन्ना, आपका मक्का, आपका सोयाबीन, आपका गेहूं, ये सब रेनगन से हो जाएंगे। केला रेनगन से नहीं होगा, केले को रेनगन से करने जाओगे बहुत ज्यादा पानी लगेगा, नीचे फंगस फैलेगी, इसमें सिकाटोका आता है। जब हवा में रेनगन से पानी बौछार करते हैं तो हवा में नमी फैल जाती है, क्योंकि बूंद ऊपर से गिरते तक नीचे आते तक हवा में फैल जाएगी ना, और सिकाटोका एयरबोर फंगस है तो आपके केले की खेती को नुकसान करेगा, इसलिए रेनगन से करना नहीं। अभी आप पूछ रहे थे पौधा कहाँ लगाएंगे, कौन पूछ रहे हो? हाँ, फिर से मैं बताता हूँ पौधा कहाँ लगाएंगे। ये ड्रिप है आपकी 5 फीट पर, एक नाली एक बराबर है, फिर एक नाली है, फिर एक बराबर, फिर एक नाली एक बराबर, फिर एक नाली। पौधा लगेगा ड्रिप के बाहर, जो ड्रिप डाली है इसके बाहर, पौधे से पौधा 9 फीट बाहर लगेगा, सामने पौधा लगेगा नहीं, इसके जिगजैग लगेगा बीच सेंटर में, ये पौधे लगाने की जगह है। लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9, एक एकड़ में 1000 पौधे आते हैं। समझ में आया पौधा कहाँ लगेगा, ड्रिप कहाँ रहेगी, नाली कैसे बनेगी, और शुरुआती चरण में जिन किसानों की प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, मतलब नाली के पास ही रहेगा, नाली के पास रहेगा, ड्रिप के बाहर, अंदर ड्रिप, ताकि जब पौधा बड़ा हो, जब पौधा बड़ा हो तो ड्रिप अंदर ही रहे, गिरे ना, नाली की तरफ करी तो ड्रिप नीचे गिर जाएगी, वो नहीं करना है, ड्रिप नाली के ऊपर वाले हिस्से में, ताकि ये ड्रिप फैले तो इस तरफ ही रहे, इस तरफ फ्लैट है, कोई गिरने की जगह नहीं। पौधा से कितना दूर? पौधे से लगाकर, पौधा जहां है वहां ड्रिप पौधे से लगाकर, पौधा बड़ा होता जाएगा, पहले पौधा ऐसा था, फिर पौधा ऐसा होगा, फिर पौधा ऐसा होगा, फिर पौधा ऐसा होगा, पर रहेगा पौधे के पास, ड्रिप पौधे के पास लाइफ टाइम, पौधे से दूर नहीं। और कचरा मल्चिंग रहेगी तो जो बूंद 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 आपकी गिरेगी वो पानी वापस घास बन के उड़ता है, तो पूरा ये 7 फीट का भेज होगा, पूरा यहाँ पर मॉइस्चर होगा 7 फीट पर। केले की जड़ें, जब 2010 में मैंने केला लगाया था, आप फेसबुक पर जाएंगे तो 2010 का मेरा पोस्ट है, कचरा मल्चिंग के नीचे 22 फीट का रूट मैंने देखा है, कितना 22 फीट। केले के जो एग्रोनॉमिस्ट भारत में पौधा बेच रहे हैं उनका कहना है कि केला 2 फीट के बाहर का भोजन उठाता नहीं, मतलब और भी तो आप केले के गाइडलाइंस अटेंड करोगे ना तो आपको क्या सुनने को मिलेगा वो मैं पहले बता रहा हूं। केले का पौधा 2 फीट के बाहर का भोजन उठाता नहीं। मेरे खेत में जब मैंने कचरा मल्चिंग किया
22 फीट की जड़े और वो कहीं से भी भोजन उठा रहा था। मतलब हम जितनी निकाल के देखा ना, ये जो कचरा मल्चिंग आप करोगे, कचरा मल्चिंग के नीचे आप ऐसा देखोगे तो रूट फैलती दिखेगी। हम मिट्टी को उठा के नहीं देख सकते ना, हम जब बायोमास आच्छादन करते हैं तो हम उसको लकड़ी से हल्का उठाकर देख सकते हैं। तो आप अपने खेतों में जब ये कचरा मल्चिंग करोगे तो आपको दिखेगा, और यहाँ कोई कल्टीवेशन नहीं करोगे तो जड़ें टूटेगी नहीं। तो आपने पहले दिन पौधा लगाया तो 365 दिन के बाद जब आप ये कचरा थोड़ा सा हटाकर देखोगे तो आपको दिखेगी कि जड़ कहाँ कितनी जा रही है, आपको अपने खेत में दिखेगा। तो कचरा मल्चिंग और नमी वाली जगह, और केले को ज्यादा पानी नहीं चाहिए, ताजा पानी चाहिए, और 25% हवा 25% पानी चाहिए। तो केवल एकमात्र यही सिद्धांत है जिससे आप पौधे को ये फैसिलिटी अवेलेबल करा सकते हो। बारिश के सीजन में ये नाली जो है इसीलिए है कि यहाँ जो पानी आया बहकर यहाँ से बाहर हो जाएगा, यहाँ जो नाली है यहाँ से बहकर बाहर होगा। और कुदरत में अगर झड़ी चल रही है तो नमी रहेगी। और ये जो बेड पद्धति करोगे आप, ये बड़ा बेड है आपका, ऐसा टीला नहीं है, ये बेड कैसा है? बेड कितना है? 6 इंच। काली मिट्टी है तो 8 इंच, हेवी ब्लैक सॉइल है तो 10 इंच, इससे ज्यादा नहीं। आपने बराबर जमीन करी है, 6 इंच की नाली करना है एक बार। ये नाली होगा सर, पौधा वो बराबर में लगाना है। हाँ, पौधा बराबर में नाली करना है। पौधा लगाने से पहले ही नाली करना है, बट नाली से हाइट नहीं बढ़ेगी, पौधा बराबर में ही लगेगा। जो आपका प्रश्न है वो सही है कि पौधा बराबर में लगाना है, उसके पास में नाली करना है। तो जो ड्रिप का पानी जाएगा उसके लिए एयर कर्टन है कि हवा बाहर निकाल दे। बारिश आई तो उस नाली से बारिश का पानी बाहर हो जाए, पौधों की जड़ों में कीचड़ ना रहे। थोड़ा बहुत तो चलेगा, इतना बड़ा खेत है आपका, 3 इंच 4 इंच इधर हुआ, 3-4 इंच इधर हुआ, तो वो मायने नहीं रखता है। एक होगा ही होगा, बट आप नाप से करो, क्योंकि हमने एक बार खेती किया तो हम इसको 3-4 साल 5 साल चलाना चाहते हैं। 10 फीट के नाप से किए थे। हाँ, तो थोड़ा सा ट्रैक्टर का वो जाएगा कि मजदूर कुछ ड्रिप को इधर उधर कर देगा। 10 फीट उन्होंने नापा, वो ध्यान नहीं रखा उस टाइम पे कि ये दो ड्रिप के बीच में अगर थोड़ा सा लाइन इधर पड़ा तो बढ़ते बढ़ते लास्ट में थोड़ा चले जाएगा। तो ये हर एक की खेती में होता है, इसको हमें एरर मान के चलना है। बट कोशिश ये करें कि हम ये रोजी रोटी के लिए जब शुरुआत कर रहे हैं उस समय जो काम हो रहा है, इस काम के वक्त हम खेत पर रहें, और मैक्सिमम हम काम अपनी आंखों के सामने से कराएं कि सीधा तीर जैसा हो और अलाइनमेंट ठीक रहे। अलाइनमेंट बिगड़ा तो आपका जो ग्राफ है ना वो बिगड़ेगा। ये जो आपका ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ में जो सेंटर पौधा आएगा इसके पत्ते फेंकने की दिशा बिगड़ेगी, सराउंड ग्राफ बिगड़ेगा। कोशिश करें अलाइनमेंट ना बिगड़े, थोड़ा बहुत 2-4, 5 इंच 8 इंच ऐसे जाएगा आगे पीछे, वो एरर ही रहेगा, इसलिए 5x9 हमने लिया है। ड्रिप जमीन की तैयारी, पौधा लगाना, किस ग्राफ से यहां तक पहुंच गए हम, इस संबंध में किसी के प्रश्न हो तो लिख के रखो, सेशन कंप्लीट होने के बाद हम सारे प्रश्न उत्तर लेने वाले हैं। याद रहेगा, अभी मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि अभी लिख लो प्रश्न आपको इस संबंध में कुछ पूछना हो। आगे की कड़ी में मैं जाता हूँ, पौधा लगाना कैसा, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। पौधा लगाया किस ग्राफ पर, लगाना कैसा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है। इसको 100% फॉलो करोगे तो आपके प्लाट में एक भी गैप फिलिंग का पौधा आएगा नहीं। जितने पौधे लगाओगे 100 के 100 पौधे जिंदा रहेंगे। ये पौधे लगाने की हमारी जगह है और यहाँ पर ट्रिप है और हम पौधा लगा रहे हैं, जो वो किस तरीके से लगाएं ये अगर हम प्रॉपर समझ गए तो हमें एक भी गैप फिलिंग की पौधे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने निशान किया 9 फीट पर, इसको अभी तक जो किसान केले के पौधे लगा रहे हैं वो कैसे लगा रहे हैं वो लगाना नहीं है, जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ। निशान पर एक गेती कुदौली डलती है, मिट्टी निकलती है, हमारी पौधे की गाड़ी कल आ रही है परसों आ रही है तो हम आज ही मार्किंग करके मिट्टी निकाल लेंगे और उसमें सूर्य की रोशनी जाएगी, हवा जाएगी, वो गड्ढा, ये गड्ढा बन जाएगा ना यहाँ पर जहाँ से मिट्टी निकाल ली,
अब यहाँ पर ऐसे जिसमें हमने गेती डाली और मिट्टी निकाली वहां पर टिप्पे में हवा जाएगी तो ये जगह सूख जाएगी। पौधा लगाने से पहले जो ड्रिप है हमारी उसको चालू करना है, सूखे में नहीं लगाना है। पौधा लगाने से पहले 1 तारीख को हमने ड्रिप चालू करी, 5 से 10 घंटे पानी दिया ड्रिप से, 2 तारीख को पानी बंद किया, 3 तारीख को फिर ड्रिप चालू करी, 4 तारीख को पानी बंद किया, 5 तारीख को फिर ड्रिप चालू करी और पौधा लगाया। 1 दिन पानी देना है, 1 दिन बंद करना है, फिर 1 दिन पानी देना है, फिर 1 दिन बंद करना है। ये प्रक्रिया 365 दिन कभी भी पौधा लगाया उसमें सपोर्ट करेगी। किसी ने मार्च में लगाया तो सामने गर्मी आ रही है तो वो जगह ठंडी इस प्रक्रिया से होगी। किसी ने अक्टूबर में केला लगाया तो सामने ठंड आ रही है, मार्च में गर्मी आ रही है। अक्टूबर नवंबर में लगाया तो सामने ठंड आ रही है तो जमीन गीली रहेगी, तो जमीन में ताजगी बनी रहेगी, पौधे को ठंड ना लगेगी। मार्च अप्रैल में लगाया, सामने गर्मी है, अप्रैल में खुद गर्मी है तो पानी भेज रहेगा तो पौधे को ताजगी रहेगी। बारिश में ऐसे ही पानी गिरा हुआ रहता है तो उसमें ड्रिप चलाना नहीं चलाना वो मायने नहीं रखेगा। आपका एक बार ड्रिप चला करके भी लगा दोगे तो चलेगा। ये क्यों चलाना है? क्योंकि पौधा जब बूंद 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 पानी, ड्रिप जो बूंद 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 पानी गिरा रही है तो यहाँ से हवा निकलेगी और पानी पूरे खेत में थोड़ा सा फैलेगा। अगर हमने पौधा कल लगाना है और आज एक ही दिन ड्रिप चलाई तो पानी पूरा फैलता नहीं, गर्माहट निकलती नहीं, और जब पौधा लगाने के बाद इस गड्ढे में जो पौधे की जड़ें रहेगी तो नीचे से गर्म भाप निकलेगी और इस पौधे को डंप कर देगी, मार देगी। एक दिन पानी, दूसरे दिन बंद, तीसरे दिन पानी, चौथे दिन बंद, पांचवें दिन आपको लग रहा है सफिशिएंट है तो प्लांटेशन करके पानी, वरना पानी देकर प्लांटेशन। समझ में आया पानी कैसे चलाना? अब पौधा लगाना कैसे? पंच किया, मिट्टी निकाला, पौधे की थैली को फाड़ा या ट्रे में से उखाड़ा, पौधा रखा, मिट्टी दबाया, ऐसा काम नहीं करना है। काम क्या करना है? जो निशान है यहाँ पर गेती डाली और गेती वापस निकाली, क्योंकि जब पौधा लगा हुआ 6 इंच का ढीलापन चाहिए। जो पौधा आएगा वो ट्रे में आएगा, ऐसे ट्रे आएगी, ये ट्रे भरी हुई रहेगी, यहाँ पौधा आएगा तो ये जो 6 इंच की ट्रे है इसमें मीडिया है और इसमें जड़े हैं। जहां पौधा लगाओगे ये 6 इंच मिट्टी में जाना चाहिए, तो आपको गेती या कुदावली उस मार्किंग में डालना है, वापस निकालना है, मिट्टी नहीं निकालना है। तो वो जहां आपने पंच किया वो जगह ढीली हो गई। अब इस ढीली जगह में पहले से ही ढीली है सर? नहीं, पहले से ढीली नहीं रहेगी क्योंकि आपने कल्टीवेशन करके रोटावेटर करके उसके ऊपर ड्रिप डाली है। ड्रिप डालने के बाद आपने 3 बार पानी चलाया है तो कॉम्पैक्ट हो चुकी है, पानी थोड़ा सा जमीन को पकड़ेगा ना। आपकी जमीन अगर रेतीली है तो आप ऐसे ही हल्के से मिट्टी निकाल लो, और रेतीली तो शायद किसी की जमीन नहीं होगी, थोड़ा तो क्ले है, तो एक बार आपको उसको पंच करना है और पंच को बाहर लेना है, मिट्टी नहीं लेना है। समझ में आया? ज्यादा ढीली है तो लक्कड़ डालना है, निकालना है, ऐसे पोंछा देना है तो वो जमीन ढीली हो जाए। अब इसमें 1 लीटर पानी डालना है, ये जो जमीन में पंच किया बाहर निकाला इसमें 1 लीटर पानी डालना है। आप लिख लीजिए 1 लीटर पानी डालना है। ये जो पंच किया इसमें 1 लीटर पानी डाला और इसको हाथ से मलना है तो ये बनेगा कीचड़। जहां पौधा लगाना है वहां 1 लीटर पानी डाला, उसको मथना है हाथ से, वो बना कीचड़। अब आपके पास पौधा ट्रे में आए या थैली में आए, दोनों की विधि है पौधा निकाल कर लगाने की। अगर थैली में पौधा आ रहा है तो थैली को ऐसे गोल मलना है, गोल मला, पौधा उल्टा किया तो ये उसकी पत्तियां नीचे आई, यहां पर पत्तियों को पकड़ा, थैली को पकड़कर धीरे 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 बाहर करना है। थैली में पौधा आए तो निकालने में तकलीफ आती है, आप ऊपर से खींचते हो थैली फटती नहीं, थैली निकलती नहीं, क्योंकि वो जिस भी नर्सरी लैब में है वहां पर उसने जड़ों को पकड़ के रखा है। तो पहले थैली को, केला ही नहीं दुनिया का कोई सा भी थैली वाला पौधा लगाओ तो कैसे लगाना है, ऐसे मलना है, हल्का हल्का प्रेस करना है तो थैली और जड़ें एक दूसरे से छूट जाएगी। उसको उल्टा करना है, नीचे पत्ता है, ऊपर थैली को पकड़ के धीरे धीरे निकालना है।
अब यहाँ पर जो आपने पानी डाल रखा है इसको कीचड़ बना रखा है, इसमें कीचड़ को हटाया, पौधा रखा, कीचड़ फिर धीरे से छोड़ दिया, दबाना नहीं, सूखी मिट्टी डालना नहीं, कीचड़ हटाया, पौधा रखा, कीचड़ छोड़ा, ये प्रक्रिया करेंगे तो 100 के 100 पौधे जिंदा रहेंगे, एक भी गैप फिलिंग नहीं जाएगी, दुनिया का कोई सा पौधा लगा। अगर ट्रे में आता है तो ट्रे आती यूज एंड थ्रू, ट्रे में पौधा ऐसा आएगा उसको यहां से दबाकर पकड़कर उठाना नहीं, ट्रे में पौधा है तो ट्रे ऐसे अंगूठे से टूट जाएगी, यूज एंड थ्रू आती फट जाती, वो हल्की ट्रे आती कि हम एक ही बार पौधा लगाए और ट्रे फटकर चली जाए, ऐसे ही आती है, तो धीरे से उसको फाड़े, पौधे को ट्रे को चौड़ी करके उठाएं, कीचड़ को हटाएं, पौधा रखें और कीचड़ छोड़ दें, ये प्रक्रिया है पौधा लगाने की। अब ये जो पानी डाला 1 लीटर इसमें क्या चाहिए तो हमारा पौधा तुरंत चलने लगेगा। 200 लीटर का बैरल जो आता है उसमें कुछ घोल बनाने हैं, लिखिए ये जो पानी आप डालोगे ये कौन सा पानी होना चाहिए। 200 लीटर पानी का जो बैरल है उसमें 100 ग्राम वाइसिनोमेटा, इसके अंदर सुक्रोज और गोअर का आता है, ये आपको आपकी फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी के पास से मिल जाएगा। 100 ग्राम मेटाराइजिन एनीसोप्लिन जो कीड़ों को भगाता है, अगर आपके खेत में वाइट ग्रब है, दीमक है, कोई कीड़ा है जो जड़ों को, पौधे की जड़ों को खा लेगा, उसको ये भगाता है मेटाराइजिन एनीसोप्लिन। 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा, इसको घोल देना है आधे एक घंटे पहले ताकि ये बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करके एक्टिवेट हो जाए, और जो ये पानी जहां आप पौधा रखने वाले हो इसकी जड़ें तुरंत चले। एक हो गया वाइसिनोमेटा के अंदर भोजन, अगले 8 से 10 दिन का पौधे का भोजन हो जाएगा, आप केवल पानी ध्यान रखो, पौधा अपने आप चल जाएगा। मेटाराइजिन एनीसोप्लिन जो भी यहाँ जड़ों को कीड़े खाने वाली आएगी, कीड़ों को भगा देगी, कोई जड़ों को काटने नहीं देगा, और ट्राइकोडर्मा फंगीसाइड का काम करेगा। तो तीनों कॉम्बिनेशन हमने दे दिए जो हमारा पौधा चल पड़े। 200 लीटर पानी, 200 लीटर पानी में क्या घोल बनाए, समझ में आया क्या रखना है। अब अगर आपके पास बैक्टीरियल फर्मेंटेशन नहीं है और रसायन पर जाना है और वाइड ग्रब बहुत ज्यादा है तो यहां पर 25 ग्राम टेंटाशू, अगर मेटाराइजिन नहीं मिल रहा है और रासायनिक प्रक्रिया पे जाना है तो 25 ग्राम टेंटाशू डालना है इसकी बजाय। नहीं जाएंगे ये बहुत ही अच्छी बात है, तो पहले ही दिन इसको लिखो ही मत, मैं काट देता हूं, दिमाग ही मत लगाओ, ठीक है, ये बहुत आसानी से अवेलेबल होने वाली चीज है। जाने ही नहीं है मैं उसको, आप डेंटाशू को डिलीट ही कर दो, जरूरत ही नहीं, ये तीन चीजें लेना है। समझ में आया, लिख लिया यहाँ तक पौधा लगाना कैसे, अवेलेबल होगी आपके एपीसी में, अवेलेबल होगी। सॉरी आप कुछ पूछ रहे थे, क्यों ना जाए या क्यों जाए, क्या पूछ रहे हो? रासायनिक में इसलिए नहीं जाना है, एक रसायन आप खेतों में डालेंगे तो जमीन भी खराब होगी, दूसरा ये जो डेंटाशू है या जो कीटनाशक है कि जैसे ही आपकी चमड़ी से टच होता है वहां से कैंसर फैलने के कारण बनते हैं। मजबूरी है हमारे पास कि हमको वो चीज मालूम नहीं है जो हम यहाँ डाल दें। तो आज मैंने बता दिया आपको मेटाराइजिन एनीसोप्लिन और ट्राइकोडर्मा, तो फिर आपको रसायन पर जाने की आवश्यकता नहीं है ना। अगर ये है ही नहीं तो मेरे से बात करो, क्या कम हार्मफुल चीज है वो मैं बतलाऊंगा, ठीक है। यहां तक प्रक्रिया समझ में आई, जमीन की तैयारी, ड्रिप, डिस्टेंस और लगाना कैसा, अब इस पर काम कैसे करना है साल भर तक, हमें किन बातों का ध्यान रखना है, इसके आगे की प्रक्रिया है पानी कैसा देना
और प्रति माह ये पौधा चलेगा कैसा और इसमें अंतर्वर्ती फसल हम ले सकते हैं क्या, ये आप लोगों के माइंड में जो प्रश्न है मैं उनके उत्तर पहले ही देते जा रहा हूँ। पौधे से पौधा जब 9 फीट पे है तो मैं एक चीज में डाल रहा हूँ अंतर्वर्ती फसल। चाय पीते पीते कान मेरे पास रखो, ठीक है, हाथ कप के पास, हॉट सीप लेते हुए कान मेरे पास, ठीक है। तो ये सेशन जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। अंतर्वर्ती फसल में पौधे से पौधा 9 फीट है, लाइन से लाइन 5 फीट है, तो ध्यान ये रखना है कि 3 महीने से नीचे की क्रॉप होनी चाहिए। अंतर्वर्ती ले सकते हैं, इससे हमारे लेबर खर्च निकलेंगे, बट ऐसी फसल ना ले कि हमारे केले की खेती एक साइड में हो जाए और हम अंतर्वर्ती के पीछे लग जाए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? पौधे से पौधा जब 9 फीट है तो अंतर्वर्ती लगेगी कहां, ये ध्यान रखने की बात है। पौधे से 3 फीट तक कुछ नहीं होना चाहिए, पौधे से 3 फीट तक कुछ नहीं होना चाहिए। अब ये कितना है, 6 फीट, बीच में जो बचा 3 फीट, इसमें कुछ भी अंतर्वर्ती लगा सकते हो। पहली बात, पौधे से 3 फीट, पौधे से 3 फीट कुछ नहीं, बीच में जो 3 फीट है उसमें अंतर्वर्ती फसल ले सकते हो। अब लेना कौन सी है, जो 90 दिन में खत्म हो जाए और खेत से 100 दिन के अंदर बाहर हो जाए। मक्का, सोयाबीन, प्याज, लहसुन, अब कौन से महीने में कर रहे हो वो आप डिसाइड करो। कौन से महीने में केला लगा, केला हम 365 दिन लगाएंगे साल भर, जब जिसके पास जमीन रेडी होगी तब हम इस फॉर्मूले पर लगाएंगे। यहाँ का क्लाइमेट और बाहर बाउंड्री पर गन्ना घास करेंगे तो 365 दिन हम खेती कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। समझ में आया? किसी भी महीने में केला चलेगा, ड्रिप्स है, बाउंड्री पर गन्ना घास और ये 70-30 खेती फॉलो करेंगे। करेला, फूल गोभी, हाँ चलेगा ना, चलेगा चलेगा, फूल गोभी, पत्ता गोभी, प्याज, लहसुन, ये सब चलेगा। कहाँ पर? इस 3 फीट के दायरे में, पौधे से दूर बीच में जो 90 दिन की फसल हो वो। अब अगले पौधे के दायरे में यहाँ पे आएगी, समझना, अगले पौधे के दायरे में यहाँ पे आएगी। समझ में आया? ये फसल आप अंतर्वर्ती ले सकते हो। सर ये जो 3 फीट, हाँ, अगर हम मक्का ले तो कितने हैं? यहाँ मक्का के दाने आपके ज्यादा आएंगे, ये 3 फीट में आप यहाँ पर 9-9 इंच पर लगाएंगे। 3 फीट मतलब कि 36 इंच हुआ, तो 9-9 इंच पर जाएंगे, 9, 9, 18, 9, 27, 9, 4, 36, तो यहाँ पर 4 दाने आएंगे मक्का के और ड्रिप के दूसरी तरफ 4 दाने आएंगे, मतलब ये बीच में आपके 8 दाने मक्का के आएंगे, तो मक्का भी हेल्थी आएगी और एक पौधे में मक्का के 3 से 4 भुट्टे आएंगे क्योंकि बीच में गैप है। जब आप पास पास में मक्का लगाते हो तो 2 भुट्टे मिलते हैं आपको, तीसरा वो मिलता नहीं, उसमें दाना आता नहीं। जब आप इतनी डिस्टेंस पर लगाओगे, 8 दाने यहाँ पर, 8 दाने, 4 इधर 4 इधर, 4 समझ में आया, और 4 समझ में, ये जो ड्रिप है ना, ड्रिप के एक तरफ 4, ड्रिप के दूसरी तरफ 4, इधर नाली है, नाली की करवट में 4 आएंगे ना, नाली के पास 4, हाँ जो ड्रिप है उसके लेफ्ट में 4, राइट में 4, 4 4 दाने, इनकी दूरी 9 इंच, इनकी दूरी 9 इंच, बीच में ड्रिप आ जाएगी। लेकिन सर बेहतर होगा ये मक्का मत जाओ, मक्का ठीक, एज योर चॉइस, जा सकते हैं, जा सकते हो। ये कब जाना है मक्का पे? जब आप फरवरी मार्च में केला लगा रहे हो तो आपको अप्रैल मई जून की गर्मी को रोकना है, तो फिर मैं केवल सजेशन करूंगा मक्का लगाओ, क्योंकि सामने का टेम्परेचर, पौधे की हाइट ये रहेगी, मक्का की हाइट ये रहेगी, तो गर्म हवा चलेगी, वो ऊपर उठ के जाएगी। जब फरवरी मार्च में केला लगा रहे हो तो मक्का ही लगाना है अप्रैल मई की गर्मी को बचाने के लिए, उसके अलावा आप दूसरी फसल लगाओ, हाइट वाली मत लगाओ, ताकि केले के विकास में रुकावट ना आए। जो सर बता रहे हैं एकदम सही बात बता रहे हैं कि आप कम हाइट की फसल लगाओ, क्योंकि केला 90 दिन के बाद खुद ही स्पीड से चलने लगेगा, तो इसको
जगह चाहिए, इसके पत्ते को फैलने के लिए जगह चाहिए, जरूरी नहीं है अंतर्वर्ती लगाओ। तो मैंने इसलिए ये विषय छेड़ा, मक्का का पत्ता और केले का पत्ता ये दोनों फिर ओवरलैपिंग करेगा। हाँ, एक दूसरे को ओवरलैपिंग करेगा, एक दूसरे को ओवरलैपिंग करेगा, और एक दूसरे को ओवरलैपिंग किया तो आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। समझ में आया? अंतर्वर्ती पहली बात करना नहीं, बट दिमाग में कौतूहल चलेगा, जगह बहुत दिख रही है, कुछ डाल लूं तो मात्र 90 दिन की फसल करना है, क्योंकि मेरे लेक्चर होने के बाद फोन आता है, सर अंतर्वर्ती बताया नहीं, इसलिए मैंने आपको ये चीज बतला दी। अभी इसके आगे हम चलते हैं खाद प्रबंधन, पानी प्रबंधन। तो पानी का एक सूत्र लिख लीजिए कि पानी कितना देना, कब देना। ड्रिप से हम जाएंगे, ड्रिप से हम जाएंगे, ड्रिप से पानी प्रबंधन कैसे, हमें कितना ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण बात है, और पेन कागज आपके लिए पानी प्रबंधन को ही ध्यान रखने के लिए है। ये 100% हमें समझ में आ गया, हम केले का उत्पादन नए आयाम का ले सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। थंब रूल बताने जा रहा हूं मैं, नमस्ते। पानी प्रबंधन केले का थंब रूल है, एक पत्ता लिखिए, एक लीटर पानी एक दिन का, 24 घंटे का। केले के पत्ते की उम्र जितनी होती है, सर चाय ले लीजिए, चाय ठंडी हो। चाय में पीता नहीं हूं, आ गई है तो ठीक है। केले के पौधे की उम्र, ना कि उसमें दिख कितना रहा है, बातों में फर्क है। केला हमने लिया तो टिश्यू कल्चर लैब से जो पौधा आता है वो 6 पत्ती का आता है, 5 से 6 पत्ती का पौधा आता है, जहां से हमारे पास पौधा आता है। मेरी खुद की 3 टिश्यू कल्चर लैब है इसलिए मुझे पता है। 2014 से मैं टिश्यू कल्चर लैब चला रहा हूं, तो लैब में क्या होता है, मैं थंब रूल बातों को लिखिए, पौधा 50 पत्ते की उम्र का रहता है, केले की पौधे की उम्र महीने से काउंटिंग नहीं होगी, उसने कितने पत्ते दिए उससे उसकी उम्र काउंट होती है कि ये कितना बड़ा है, कितना वयस्क हो चुका है। अगर ठंड ज्यादा आई और केले ने पत्ते नहीं दिए तो उसकी उम्र बढ़ती नहीं, वो रुक जाता है, डोरमेंसी में चले जाता है। गर्मी में पत्ते बहुत जल्दी जल्दी देता है, तो मार्च अप्रैल मई में, वो मई का महीना जो रहता है ज्यादा गर्मी का, वो एक महीना 3 महीने के बराबर जी लेता है, और जनवरी की ठंड, 15 दिसंबर से 15 जनवरी की ठंड, वो एक महीना 2 दिन के बराबर जीता है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं होगा कि हम एक महीना मई का बिताया उसमें पत्ते कितने नए आ गए, उतनी उम्र उसकी बढ़ गई। ये केले में बहुत ध्यान रखने की माइक्रो बात है, बट एकदम सरल और सहज है, आपको पता चल गया, अब आप खेत में जाओगे तो ध्यान रखोगे कि पिछले सप्ताह कितने पत्ते थे, आपको नए पत्ते दिखेंगे, पता चलेगा पौधे की उम्र कैसे चल रही। तो एक पत्ता, 1 लीटर पानी, 1 दिन का। अब ये कंडीशन अप्लाई है, आप हो वहां पर 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर पर यह नियम लागू होगा, कंडीशन अप्लाई। हम में से किसी ने बीमा करवाया है, पॉलिसी लिए, आपकी मोटरसाइकिल है, हर साल पॉलिसी होती है, कार की हर साल पॉलिसी होती है, नीचे लिखा आता है ऐसा स्टार बना हुआ आता है, कंडीशन अप्लाई। तो पॉलिसी तो आपने ले ली कि आपकी रिस्क कवर कितनी है, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, बट ये काम होगा तो वैसे ही ये पानी देना है, बट इस टेम्परेचर पे। अब हो सकता है कि ठंड में अपना टेम्परेचर डाउन गया, जाता ही है, हो क्या सकता है, जाता है। आज यहाँ पर 28 से 32 डिग्री है अगस्त में, बट हम दिसंबर, 15 दिसंबर के बाद टेम्परेचर देखेंगे तो शायद 20 डिग्री रहेगा, जनवरी का पहला सप्ताह आपका 10 डिग्री भी टेम्परेचर जाता है, टेम्परेचर डाउन होता है ना, तो आपका पानी कम होगा। जितने प्रतिशत टेम्परेचर कम हुआ उतना प्रतिशत का पानी कम होगा। अप्रैल और मई में ये 32 की बजाय 40 डिग्री जाएगा, 42 डिग्री जाएगा, तो जितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ा उतना डिग्री पानी, उतना पानी का प्रतिशत बढ़ेगा। पानी कितना देना ये मैं बात बता रहा हूं, कब देना ये अब उसके बाद बताऊंगा।
हमने मई में देखा, उदाहरण अब मैं बता रहा हूं, हमने मई में देखा कि हमारा पौधा 20 पत्ते का है और नर्सरी से 5 पत्ते वाला आया था और लैब में 10 से 12 पत्ते बीत चुके रहते हैं, तो टोटल ये पौधा कितने पत्ते का हो गया? जो ये पौधा आता ना दिखता 5 पत्ते का, एक्चुअल में रहता है 15 पत्ते की उम्र का, 15 प्लस। लैब में बोतल के अंदर पौधा बनाते हैं तो उसकी हर 28 दिन में साइक्लिंग करते हैं। ये बोतल के अंदर यहाँ पौधा रहता है। आप लोगों को एक काम करना है, टिश्यू कल्चर में पौधा कैसे तैयार होता है, टिश्यू कल्चर में पौधा कैसे तैयार होता है, उसके लिए YouTube पर किसान पाठशाला चैनल पर आपको लिखना है 90। आपके घर पर देख लोगे पौधा कैसे बनता है, 90 किसान पाठशाला, तो 90 नंबर का एक वीडियो आएगा 28 मिनट का, इसमें मेरी जो टिश्यू कल्चर लैब है उसमें हम पौधा कैसे बनाते हैं वो दिखेगा आपको, घर पे ही दिख जाएगा टिश्यू कल्चर लैब में पौधा कैसे बनता है, 28 मिनट का है। तो ये बोतल के अंदर पौधा बनता है, इसके कंगे आते हैं, 28 दिन में इसमें कट लगता है, तो 1 से 3 बोतल बनती है, 28 दिन की साइकिल रहती है, तो 10 से 15 पत्ते आपके खेत आने तक हो जाते हैं। और उदाहरण में दे रहा हूं कि आपको पौधा दिख रहा है 20 पत्ते का, 4 महीने की उम्र हो जाएगी तो 20 पत्ते आ जाएंगे, तो टोटल पत्ते कितने हुए, 7 35 37। तो 4 महीने के पौधे में 20 पत्ते जब आपके खेत में दिख रहे हैं तो 15 पत्ते उसमें ऐड कर लो, पौधा हो गया 35 पत्ते का। अब 35 पत्ते का हुआ तो इसको 35 लीटर पानी लगेगा 24 घंटे में। उदाहरण के लिए आप 4 महीने आपके हुए हैं मई में, टेम्परेचर ज्यादा है, एक पौधे को एक दिन में 1 लीटर पानी लग रहा है 30 डिग्री टेम्परेचर पे, अभी 42 डिग्री टेम्परेचर है, तो लगभग 30% आपका टेम्परेचर अप हो चुका है, तो 1 लीटर पानी की बजाय 30% बढ़ाना है, 1.25 लीटर पानी करना है एक पत्ते को, कैलकुलेशन समझ में आया, पानी कैसा देना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हर किसान का खेत अलग है, हर किसान का महीना लगाने का अलग हो सकता है, किसी ने फरवरी में लगाया, किसी ने मार्च में लगाया, किसी ने जुलाई में लगाया, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। मैं आपको खुद को क्रॉप डॉक्टर बनाना चाह रहा हूं, कैलकुलेशन खुद ही सीख जाओ। कल कोई झोला छाप आपके खेत में आकर बोले कि इसको 2 घंटे पानी चलाओ, उसकी जरूरत नहीं होना चाहिए। हम खेती कर रहे हैं ना, हमें खुद को पता होना चाहिए कि मेरे पौधे को पानी कितना दूं, समझ में आया? क्योंकि कोई व्यक्ति आपको खेत में आकर सजेशन करे और फिर एक पर्ची लिख कर दे कि ये दवाई भी साथ में डालना, आपने पूछा पानी कितना चलाना, साथ में पर्ची बोनस में आएगी, फिर आपको उस दुकान पे जाकर सामान लाना पड़ेगा और पानी चलाने के चक्कर में कुछ खाद डालना पड़ेगा। तो इसलिए खुद ही अपने खेत के चिकित्सक बन जाओ। उदाहरण समझ में आया पानी कैसे बढ़ेगा। अब यही अगर जनवरी में है परिस्थिति, तो 1 लीटर से 10 डिग्री टेम्परेचर है तो कितना कम हुआ, 28 से 30 डिग्री की बजाय 10 डिग्री बचा, तो 60 से 70% टेम्परेचर कम हुआ है ना, 60 से 70% कम हुआ है, तो 60 से 70% पानी कम करना है, 1 लीटर की बजाय 300 ml पानी देना है एक पत्ते को एक दिन का ठंड में। अब मुद्दा यह है कि केले की खेती में पानी ज्यादा नहीं चाहिए, ताजा पानी चाहिए, ये पानी प्रबंधन में मेन थंब रूल को लिख कर रखो, ज्यादा पानी नहीं ताजा पानी। ये मैंने सूत्र बताया कैसे कैलकुलेशन करना है, अब देना कैसे है वो समझ लीजिए। यहां तक समझ में आया कैलकुलेशन पानी का? अब आपके मन में जो चल रहा है कि मैंने ड्रिप डाली 2 लीटर डिस्चार्ज है, पौधे से 1.25 फीट पे ड्रिपर, सारा मैं समझाऊंगा डीपी। अभी एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी है 9 फीट की और ड्रिपर है 1.25 फीट पे, कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, 9 भागित 1.25 क्या
9 / 1.25 तो आपके 7.2 ड्रीपर आएंगे एक पौधे। अभी यहाँ से आधा आधा कट हुआ, आपने जो ड्रिप डाली है इस ड्रिप में एक ड्रीपर आया, फिर सवा फीट पे ड्रीपर, 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 ऐसे ही आएगा ना ड्रीपर। समझ में आ रहा है ब्लॉक? ये पौधा से ये पौधा 9 फीट पे है बट ड्रिप तो सिंगल ऐसी थी, तो आपको पता कैसे चलेगा कि एक घंटा पानी चलाया तो एक पौधे को कितना पानी गया? कैलकुलेशन तो आपको आ गया कि कितना पानी देना। यहां खेत में कैलकुलेशन कैसा करोगे वो मैं बतलाने जा रहा हूं। अभी इस पौधे से इस पौधे की दूरी भी 9 फीट है बट जो ड्रिपर है एक पौधे को 60 ड्रिपर मिलेंगे अगर सवा फीट पे ड्रिप है। कैलकुलेशन समझना, 16 mm ड्रिप, 2 लीटर डिस्चार्ज, 40 सेंटीमीटर, 16 × 2 = 40 अगर आपने लगाई है, अलग लगाई है तो वैसे कैलकुलेटर चलाना। इस ड्रिप का कैलकुलेशन बता रहा हूं, सवा सेंटीमीटर मतलब सवा 40 सेंटीमीटर मतलब सवा फीट, तो 9 फीट पे पौधे हैं तो बीच में आपको आधा मानना है कि ये 3 ड्रिपर इधर गए, ये 4 ड्रिपर इधर गए, फिर 3 ड्रिपर इधर आए, 4 ड्रिपर इधर गए, तो एक पौधे को कितने ड्रिपर मिल रहे हैं? 7। उसका डिस्चार्ज कितना है एक घंटे में? LPH लीटर पर आवर 2 लीटर। 60 ड्रिपर मिले, एक घंटा मोटर अगर चलती है पंप हमारा तो गुणित 2 = 14 लीटर पानी जाएगा आपके एक पौधे के पास। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? अब यही उदाहरण में मई में ले जाता हूं कि 35 पत्ते का पौधा है और मई का महीना है तो आपको एक पत्ते को 1 लीटर 300 ml पानी देना है। कैलकुलेशन समझा जो जिस पे मैंने अभी आपसे चर्चा करी? फिर आपको कैलकुलेटर के पास जाना पड़ेगा। 35 × 1.3 कितना पानी आया? 45.5 लीटर पानी एक दिन का। अब आप एक घंटा मोटर पंप चला रहे हो तो 14 लीटर पानी आ रहा है। आपकी परिस्थिति है मई का महीना, 20 पत्ते और 15 पत्ते लेप के 35 पत्ते वाला पौधा जिसकी हाइट इतनी हो चुकी है, मई में उसको पानी कितने घंटे चलाना? उसका जवाब दे रहा हूं मैं, ठीक है? तो 45 लीटर पानी जाना चाहिए तो 45/14 आपका आएगा 3.25, सवा 3 घंटे पानी चलाओगे एक फीडर में तो आपके पौधे को 45 लीटर पानी मिल जाएगा। मई में एक वॉल में आपको 3 से 3.5 सवा 3 घंटे पानी चलाना है प्रतिदिन, तो पौधा आपका बहुत हेल्दी ग्रो करेगा और ज्यादा उत्पादन देगा। इसमें खाद क्या डालोगे ये मैंने बोला नहीं, स्वस्थ उत्पादन के लिए 2 चीजें मायने रखती है, ग्राफ क्या होना चाहिए और पानी प्रबंधन कैसे होना चाहिए केले में। समझ में आया? ज्यादा पानी नहीं, ताजा पानी। ये जो 45 लीटर पानी आज दिया ये पौधा ले लेगा, बाकी लीच हो जाएगा, बाकी हवा में उड़ जाएगा। उसका सबका कैलकुलेशन मैंने बताया, 3.25 घंटे मोटर पंप चलेगा, 4 महीने की उम्र का अगर प्लाट है और मई का महीना है तो डेली 3.25 घंटे पानी चलाना है तो आपका पौधा स्वस्थ ग्रो करेगा। आज पानी चलाया, कल फिर चलाया, परसों फिर चलाया तो उसकी जड़ों की कक्षा में कीचड़ नहीं रहेगा। जब जब हम इस तरह की फार्मिंग करते हैं तो एक ही बार केले के पौधे को लगा करके अनेक साल तक हम उसी खेत में खेती कर सकते हैं। वरना आपको एग्रोनॉमिस्ट बोलेंगे कि फसल चक्र अपनाओ, वो गलत नहीं बोल रहे हैं। हम जब खेतों में कीचड़ जैसा पानी देंगे तो बैक्टीरिया, फंगस, डिसीज आएगी, और ताजा पानी देंगे और पानी बह जाएगा और कल फिर पानी देंगे तो बैक्टीरिया फंगल हमारे खेतों में ग्रो नहीं करेगी जो हमारे पौधों को नुकसान करे। बैक्टीरिया तो रहेंगे लेकिन दूषित बैक्टीरिया जो सड़क पैदा करने वाले हैं, जो जड़ों को खराब करने वाले हैं, वो रहेंगे नहीं। तो हम एक बार लगाकर अनेक साल तक खेती कर सकते हैं, पहला। दूसरा, ताजा पानी रहेगा तो पौधा भोजन उठाते रहेगा और आपके उत्पादन में बढ़ोतरी रहेगी। समझ में आया? पानी कैसे देना, कितना देना, कब देना,
इसके संबंध में कोई प्रश्न हो तो लिख कर रखो। कैलकुलेशन थोड़ा होता है, पत्ता पत्ता निकलने का, वो मैं आ रहा हूँ उस पर। कैलकुलेशन बतला देता हूँ, पानी का समझ में आया। अब हम खेत में पौधे को कैसे देखें? जिसने केला लगाया डे वन से, पौधा स्वस्थ चल रहा है या गड़बड़ी है, या जिससे हम गाइडलाइन लेते हैं उसको फोन करके पूछे या रुके? तो मैं छोटी छोटी बारीकियां थंब रूल दे रहा हूं जिससे आप खुद ही क्रॉप डॉक्टर बन जाएं। अभी ये नई चीज लिखना है आपको, केले का पौधा जो हमने लगाया वो एक पत्ता कब देता है, तने की मोटाई कितनी बढ़ती है और कैसे चलता है। स्वस्थ पौधे की पहचान, स्वस्थ पौधे की पहचान में पौधा तो हमने लगा दिया, अब वो बन रहा है पेड़। स्वस्थ पौधे की केले की पहचान क्या होनी चाहिए कि जब उसका बढ़वार हो, मेरी ड्राइंग को देखना नीचे से कैसी है, ड्राइंग दिख रही है, सीधा नहीं, नीचे से मोटा। स्वस्थ पौधे की जो चाल है वो ऐसे नहीं दिखनी चाहिए, ऐसे दिखनी चाहिए तो पौधा सही चल रहा है। पहली शुरुआत देखने में कैसा आएगा, वो किस कंपनी से लोगे, कौन सा लोगे, वो सेकंड नंबर है। खेत में लगने के बाद चलेगा दिखेगा कैसे, पहला पत्ता जो है उससे दूसरा पत्ता, केले का पहला पत्ता जो आया उससे दूसरा पत्ता, उससे तीसरा पत्ता कितनी दूरी पर रहना चाहिए, 5 इंच। पत्ते से पत्ते की दूरी 5 इंच। ये जो एक पत्ता है इससे दूसरे पत्ते की जो दूरी है, ये जो गैप है, एक ये थंब 5 से 6 इंच की दूरी रहना चाहिए। इससे ज्यादा रहेगा तो पौधा टूट के गिरेगा, इससे कम रहेगा तो पौधे का फल जो निकलेगा वो अटकेगा। स्वस्थ पौधा कैसे चल रहा है, पत्ते से पत्ते की दूरी 5 इंच, 1 महीने में 5 पत्ते प्रति माह, ये थंब रूल है, इसके अलावा कोई नियम नहीं है और ये मैंने बनाया नहीं, मैंने देखा वो आपको बतला रहा हूं। पौधा चलता कैसे है ये मैंने देखा, मैंने जिया, मैंने समझा, वो आप तक भेज रहा हूं कि जब आपके खेत में पौधा रहे तो आप उसको किस दृष्टि से देखोगे। एक पत्ता आया उसको निशान कर दो, कुछ भी कपड़ा रिबिन कुछ लगा दो, 30 दिन के बाद 2, 3, 4, 5 पत्ते हो गए क्या, 1 महीने में 5 पत्ते, 6 दिन में 1 पत्ता आना चाहिए ऑन एन एवरेज। सोमवार पत्ता देखा, अगले सोमवार 1 पत्ता आ जाना चाहिए, थंब रूल, मतलब मेरा पौधा ठीक चल रहा है, भोजन सही से उठा रहा है, मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है, हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, केले में क्या करूं। 1 पत्ता दूसरे पत्ते की ड्यूरेशन 6 दिन, ठंड में रुकेगा, तो जिससे गाइडलाइन ले रहे हैं पूछना है क्या दूं तो ये 6 दिन में पत्ता है, गर्मी में जल्दी जल्दी पत्ता निकलेगा तो क्या कम करूं कि ये पत्ता धीरे धीरे है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, खेत में देखना क्या, 5 पत्ते 5 इंच की दूरी, 5 पत्ते 1 महीने में, तने की मोटाई 5 इंच 1 महीने में बढ़ेगी मोटाई। हमने पौधा लगाया 2-3 इंच का रहेगा, 1 महीने में 5 से 7 इंच का होगा, अगले महीने 10 से 12 इंच का होगा, हर महीने 5 इंच की तने की मोटाई बढ़ना चाहिए। 5 इंच से कम है जिससे गाइडलाइन ले रहे हो उसको पूछो, मेरा पौधा इस महीने 3 इंच ही मोटा हुआ क्या करूं। एक्चुअली हम एग्रोनॉमिस्ट से पूछते क्या है पता है, मैं खाद क्या डालू मेरी फसल में, मैं दवाई क्या डालू मेरी फसल में, ये बहुत ही गलत प्रश्न है। हमें हमारी फसल को देखकर समझकर प्रश्न पूछना चाहिए कि मेरे केले का पौधा अगस्त महीने में, जनवरी जुलाई खत्म हुई तो 20 इंच तने की मोटाई थी, अगस्त खत्म हो गया 22 इंच का है, 25 का होना था क्या करूं, यह प्रश्न पूछना चाहिए आपने जिस एग्रोनॉमिस्ट से आप गाइडलाइन लेते हो।
समझ में आ रहा है, देखने की दृष्टि, हमारी फसल कैसे चलनी चाहिए, तो वो एग्रोनॉमिस्ट एग्जैक्ट पॉइंट पर आपको गाइड करेगा। खाद क्या डालू तो वो क्या बोलेगा, 1 2 3 ये पर्ची लो। हम पूछ ही गलत रहे हैं, हम पूछ रहे हैं ये कि हमारे जेब से पैसा बाहर कैसे जाए। तो पूछना क्या है, देखना क्या है और पूछना कब है, खुद ही सीख जाओ ना, किसी को पूछने की आवश्यकता रहेगी। 5 इंच तने की मोटाई, 5 पत्ते, 5 इंच पर निकलना चाहिए, यह स्वस्थ पौधे की पहचान है। 7 महीने में 35 पत्ते आएंगे, 15 पत्ते लेब से आ चुके होंगे, 50 पत्ते की उम्र होगी, 51 नंबर पे बंच आएगा। 7 महीने के आगे पीछे केले में फ्लावर आता है, समझ में आया। केले की चलने की चर्या कैसे होती है, शुरुआत के 3 महीने धीमे धीमे चलता है, तने की मोटाई लेना, बड़े पत्ते आना, जड़ों को फैलना, शुरुआत के 3 महीने। 3 महीने के बाद हर दिन आपको 1 फीट आधा फीट की हाइट बढ़ी हुई दिखेगी, क्योंकि पुराना पत्ता नए पत्ते से बड़ा आता है। थंब रूल में एक चीज और है, केले का जो पत्ता आया अभी आया इतना बड़ा, अगला पत्ता इससे बड़ा, अगला पत्ता इससे बड़ा, अगला पत्ता इससे बड़ा, केले का हर पत्ता पिछले पत्ते से बड़ा होना चाहिए। यह भी थंब रूल है, अगर पिछला पत्ता हमारा यहां तक आया, अगला पत्ता यहीं रह गया, उसका अगला पत्ता फिर यहीं रह गया, मतलब पौधे में बीमारी है, डिसीज है, या खाद नहीं उठा रहा है। पिछले पत्ते से अगला पत्ता बढ़ा, उसका अगला पत्ता फिर बढ़ा, मतलब सही चल रहा है। तो 7 महीने में 35 पत्ते आने के बाद 36 नंबर पे बंच, क्योंकि 15 पत्ते लेब में नर्सरी में खर्च हो चुके हैं, तो उम्र हो गई 50 पत्ते की, 51 नंबर पे बंच आता है, और ये 90 दिन के बाद माल कटने के लिए रेडी होगा, 90 से 100 दिन। अगर ठंड है, दिसंबर में फ्लावरिंग आई है, जनवरी की ठंड मिल रही है, फरवरी 15 तक ठंड मिलेगी, तो ये 120 दिन लेगा माल कटने में। अगर गर्मी है तो 90 दिन में माल कट जाएगा, फल जिस दिन आया उसके बाद। अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो 100 दिन में माल कटेगा। तो 7 महीने फल आने के और 90 दिन उसको भरने के, तो 3 महीने फिर, तो 10 महीने में हम केले की फसल का पहला हार्वेस्टिंग लेते हैं, पहला माल कटन आता है। तो हमने 10 महीने में दराती लगाई, 11वें महीने में माल कट के खत्म हो जाएगा। तो पहली फसल लगाने से लेकर कटिंग तक हम कह सकते हैं 11 महीने के अंदर हमारी एक फसल पैसा देकर जाएगी। पहली फसल पौधा लगाने से लेकर 7वें महीने में फ्लावरिंग, 3 महीने में फल को भरना, और 10वें महीने से 11वें महीने के बीच माल कट के बिकना, ये केले की चर्या है। देखना क्या है, तने की मोटाई, पत्ते की संख्या, पत्ते की दूरी, एक पत्ते से दूसरे पत्ते की बढ़वा, और केले की बनावट। समझ में आया, मतलब हमारा प्लॉट सही चल रहा है या कंफ्यूजन है? यस, बंच का पावर नीचे वाला कितने दिन तक काटते हैं? हाँ, वो मैं फ्रूट मैनेजमेंट में बतलाऊंगा खाना खाने के बाद, अभी अपना खाना खाने में टाइम है, थोड़ा एक सेशन और लूं। ये समझ में आया आपको, देखना क्या है, मैंने अभी तक आपको बतलाया है जमीन की तैयारी, ग्राफ, ड्रिप डालने का तरीका, पानी कितना देना है, पौधे को देखना क्या है, पौधे की चर्या कैसे चलता है, और किन चीजों का ध्यान रखना है कि हम प्लांट में क्या देखें और किससे क्या पूछे। यहां तक के कोई प्रश्न हो तो लिख के रखो, अगले सेशन के लास्ट में हम बात करेंगे। यहां तक का समझ में आया? अब मेन मुद्दा है कि हम फर्टिगेशन को कैसे अलाइनमेंट करके रखें। फर्टिलाइजर माइंड में आ रहा होगा ना, कितनी बोरी डालना है, कब डालना है, खाद कैसे डालना है, ऐसे चल रहा होगा ना दिमाग, क्या क्या डालना है, क्योंकि कुछ भी रामायण में बताऊंगा आखिर में दिमाग वहीं जाएगा, खाद कितना डालना है तभी पकेगा। एक छोटा सा थंब रूल में बतलाता हूँ,
सृष्टि का, प्रकृति का। अभी तक आपको यहां तक का समझ में आया? अब केले का भोजन है क्या वो भी समझ लीजिए। हमारे पास अभी जो हम खेती कर रहे हैं वो खेती हो रही है 17 न्यूट्रिशन से। पौधे का भोजन क्या है ये नया चैप्टर में डाल रहा हूं। पौधे का भोजन क्या है, केले का भोजन क्या है, ये मैं नया चैप्टर डाल रहा हूं। पौधे का भोजन क्या है ये मैं नया चैप्टर डाल रहा हूं ताकि आपको पता चले कि मुझे केले को खिलाना क्या है, कब है, कितना है। हमेशा दो चीजों को लेकर चलो। बलराम आज आए हैं आपके पास कुछ जानकारी देने के लिए। हो सकता है कि कल ना आ पाए, जिस दिन आप बुला उस दिन तुरंत ना आ पाए, थोड़ा आगे पीछे आए। तो खुद को पता होना चाहिए कि मैं मेरे पौधे को डालू क्या, किसी पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं। बट कैलकुलेट फार्मिंग करते हुए मैं हर किसान को खुद के खेत का डॉक्टर बनाना चाह रहा हूं। आप बनने को तैयार हैं? एक बार अच्छी क्लिपिंग करें ताकि हमारी नींद भागे थोड़ी सी। अभी 1 बज रही है, आप कम से कम मुझे 2.5 घंटे से झेल रहे हो, 2 घंटे से, बड़ी बात है। तो थोड़ा आपका माइंड ढक्कन बंद ना करे और मैं और प्रवेश करूं, इसके लिए था ये। तो अब हम बात कर रहे हैं पौधे का भोजन क्या होना चाहिए। तो पहले मैं बात करने जा रहा हूं कि जो हम दे रहे हैं